पद्मालया पद्मकरा पद्मपत्र निवेक्षणा वंदे पद्ममुखीं देवी पद्मनाभ प्रियामहं पद्मालया। गांधार देशाधीश को विक्रम सिंह का प्रणाम। स्वागतम। दुश्मनों को हराकर आने वाले सेनापति विक्रम सिंह, आपका स्वागत है। महाराज की जय हो। भूना से राजपुरी तक फैला हुआ सारा इलाका आपके कब्जे में आ गया है। गांधार सेना की शक्ति का लोहा मानते हुए आपके राज्य को झुककर इज्जत से कर देने के लिए ये तमाम जागीरदार आपके हुजूर में हाजिर हुए हैं। काल भैरव दुर्गापुर के सामंत 3 दिन की लड़ाई के बाद काबू में आए। काल भैरव, तुम तो हमारे प्रधान सामंत हो, हमारी रियासत के सबसे बड़े जागीरदार। जाओ, पहले आसन पर बैठो। धन्यवाद। कलिंग के जागीरदार श्री हरेंद्र गौतम, इनके पिता श्री नरेंद्र गौतम जो तलवारबाजी में स्वर्गवासी हो गए। जाओ, अपने आसन पर बैठो। राजगढ़ के जागीरदार का वारिस कटारी कटैया। सामंत श्रेष्ठ, आप केवल सामंत ही नहीं गंधारा साम्राज्य के संरक्षक भी हैं और मूल स्तंभ भी हैं। अपने दिलों से चुभने वाला यह ख्याल निकाल दीजिए कि आप वीर विक्रम सिंह के हाथों युद्ध में हारकर गुलाम बनाकर यहां लाए गए हैं। आप गुलाम नहीं हैं, इस देश के वफादार हैं। आज से आप इस देश की मिट्टी से प्रेम करेंगे, इसकी उन्नति को अपनी उन्नति समझेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और हमारा शमिंद्र भूपति का आशीर्वाद आपके साथ है, और आशीर्वाद के साथ साथ हमारी मदद भी आपको मिलती रहेगी। ये राज खोखला हो चुका था, इसके झंडे में गद्दारी की दीमक लग चुकी थी, मगर उसे पुनः विशाल बनाने वाला, इसके झंडे को वीरता के आसमान में लहराने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है सेनापति विक्रम सिंह। आज इस भरी सभा के समक्ष हम इन्हें देश रक्षक और परम शूरवीर का खिताब प्रदान करते हैं और अपने राजवंश की तलवार इन्हें इनाम में देते हैं। राजकुमारी, सेनापति विक्रम सिंह की, शूरवीर विक्रम सिंह की, सेनापति विक्रम सिंह की। Thank you.
बस जो चले हमारा अपने हिस्से में लिख ले हम सारा प्यार तुम्हारा ला ला
हत्या की कोशिश, आपकी जान लेने का नाकाम प्रयत्न। विक्रम सिंह, तुम कितने विश्वासघातक हो। एक तरफ वफादारी का सबूत देते हो और दूसरी तरफ इस सिंहासन पर कब्जा करने के लिए राजकुमारी की जान लेना चाहते हो। महामंत्री, आवाज नीचे कर गद्दार, वरना सर काट के गंधारा निवासी के ठोकरों में डाल दूंगा। तुझे जो कुछ कहना है महाराज के समक्ष चल कर कहना। ले चल इसे। अभी योजक जी, कार्रवाई शुरू की जाए। महाराज, विक्रम सिंह पर यह आरोप है कि इसने आधी रात को राजकुमारी के महल में घुसकर उसकी हत्या का प्रयत्न किया। महामंत्री खुद इस घटना के गवाह हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो कुछ भी उन्होंने देखा राज दरबार में अपना बयान दें। रात मैंने राजकुमारी के महल सरा की तरफ एक साय को बढ़ते हुए देखा, तो मैंने फौरन सिपाहियों को चौकन्ना किया और खुद भी उस तरफ गया, तो क्या देखता हूं कि यह विक्रम सिंह, यह राज सिंहासन का रक्षक, यह सेनापति हाथ में खंजर लिए हुए सोई हुई राजकुमारी को कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तमाम सिपाहियों की मदद से इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अगर भगवान न करे मुझे पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आज सारी रियासत राजकुमारी के शोक में खून के आंसू बहा रही होती। आधी रात के समय आप वहां क्या कर रहे थे? मैं इस देश का महामंत्री हूं, मेरी हर सांस इस सिंहासन की कर्जदार है, मेरे खून के हर कतरे पर यहां की वफादारी की मोहर लगी हुई है, और मुझे शक था पहले से कि राजकुमारी अलकनंदा का सिंहासन पर बैठना कुछ लोगों को जहरीली कटार की तरह चुभ रहा है, इसलिए हर घड़ी हर पल बिना किसी को बताए हुए मैं इनकी रक्षा करता रहता था। आपकी राजभक्ति बेमिसाल है महामंत्री, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि महावीर विक्रम सिंह ने इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? राज्य कारमान, गद्दी पर बैठने का लालच और खुद को महाराज कहलाने की तमन्ना, और इसीलिए इसने इस राज की अकेली वारिस अलकनंदा देवी को खत्म करके इस राज सिंहासन पर बैठने की कोशिश की। और चूंकि यह सेनापति है, सारी सेना इसके हाथ में है, अगर हम इसके खिलाफ बाद में आवाज उठाते तो ये हमारी जबानों पर बेड़ियां डलवा कर हमें कैद खाने में डलवा सकता था। जब सारी सेना इसके साथ है तो ये राजकुमारी को बंदी बना सकता था, फिर इसने हत्या करने की कोशिश क्यों की? जाहिर बात है, ये जानता था कि जनता राजकुमारी को चाहती है, अगर ये उन्हें बंदी बना लेगा तो सारे देश में बगावत फैल जाएगी, इसलिए इसने आसान तरीका ढूंढा कि न रहेगी यूरानी और न बढ़ेगी परेशानी, और ऐसे समय में जनता की हमदर्दी हासिल करने के लिए ये उनसे कहता कि देखो मैं तुम्हारे लिए इस राज को अपने हाथ में ले रहा हूं, ये सिंहासन पर बैठ जाता, ये चाल थी इसकी। धन्य हो महामंत्री, तुम कुछ कहना चाहते हो विक्रम सिंह? नहीं। तुमने राजकुमारी की हत्या की कोशिश की या नहीं? नहीं। तुम पर राज्य अपहरण का इल्जाम लगाया गया है, इतने बड़े इल्जाम का कोई जवाब है तुम्हारे पास? जवाब देकर भी कोई फायदा नहीं। तो क्या तुम इस इल्जाम को कबूल करते हो? मेरे कबूल करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है? राजभक्ति में श्रेष्ठ महा बुद्धिशाली महामंत्री का बयान सुनकर कानून के दिमाग ने मेरे लिए फैसला कर लिया होगा, अब बोलकर कुछ फायदा नहीं होगा। महाप्रभु, इस मुकदमे की वकालत करते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस अपराधी ने राजवंश को खत्म करना चाहा, विक्रम सिंह ने राज विश्वासघात किया, इसने राजकुमारी का कत्ल करना चाहा, इसलिए गांधारा शिक्षा स्मृति के अनुसार और इस राज्य के न्याय के मुताबिक इसे सजाए मौत दी जाए। गांधारा देश का रक्षक उसका भक्षक साबित होगा, ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है, लेकिन चूंकि हमारे राजघराने पर इसके काफी एहसान है, हम इसको सजाए मौत न देते हुए देश से निकाले जाने का हुक्म देते हैं। महाराज, आपकी दी हुई सजा को मैं खुशी से कबूल करता हूं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस दुनिया में कुछ जहर ऐसे होते हैं जो देखने में अमृत लगते हैं लेकिन पीने में जहर से भी ज्यादा कातिल होते हैं। जरा होशियार रहिए, राजकुमारी के पहरेदारों को बदलवा दीजिए और जावा सिपाहियों का पहरा वहां लगा दीजिए। आदमी ही आदमी। आहा, गुरुदेव, इन सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे समुंदर में जितने भी पानी की बूंदे हैं ना, वो सब के सब आदमी बन के धरती पे आ गए हैं बादाम खा के। ये सब लोग कहां से छूट के आ रहे हैं गुरुदेव? अरे निर्बोध, ये लोग छूट के नहीं आए हैं, यहाँ पर देवी माँ के दर्शन के लिए आए हैं। इस तरफ गांधारा रियासत है और उस तरफ आवंती,
हर साल देवी माँ के दर्शन के लिए दोनों रियासतों की प्रजा यहाँ पर जमा होती है घोंचू। इन सब को देख कर हमारे मस्तिष्क के अंदर एक आलोचना, एक विचार, एक ध्यान, एक ख्याल करवटे ले रहा है गुरुदेव। अरे वाह, आज तो कमाल का दिन है। आज जिंदगी में पहली बार घोंचू के दिमाग से कुछ काम की बात निकलने वाली। सेनापति, अब मैंने माना कि तुम सेनापति हो, लेकिन मेरे पति नहीं हो। मुंह से निकली हुई बात को जूती बनाकर मेरे मुंह पे मारते हो तुम। मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अवंती राजगुरु आचार्य अभंग देव का शिष्य हूँ। ठीक है ठीक है, हमेशा कहता हूँ कि बातें लंबी नहीं मतलब की किया करो। तुम्हारे शब्द बचेंगे और दूसरे का समय। गुरुदेव, मैं ये कह रहा था, इतने लोग यहाँ आते हैं, मुफ्त में देवी के दर्शन करके चले जाते हैं, अगर इन लोगों पर चुंगी लगा दी जाए। चुंगी? तुम दोनों राज्यों में युद्ध करवाना चाहते हो? ये अपराजिता देवी का मंदिर दोनों देशों की सरहद पर है। इस मंदिर के चारों तरफ 10 कोस तक भक्त आजादी से आ जा सकते हैं, उन पर कोई चुंगी नहीं लगाई जा सकती। 3 पीढ़ी पहले रियासत अवंती और गंधारा के राजाओं ने शांति संधि करके और उसी की खुशी में दोनों ने मिलकर सरहद पर यह मंदिर बनवाया। समझे? जी जी, समझ गया। अपराजिता देवी, तेरे आशीर्वाद से गंधारा सुख से जी रहा है, उसकी धरती पर दुख का प्रवेश तक नहीं है। मां, तूने हमारे महाराज शमेंद्र भूपति को सब कुछ दिया है, केवल एक बेटा नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपनी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें अपनी इकलौती बेटी अलकनंदा देवी पर स्थगित कर दी है। पाही माम देवी, आपके चरणों में पुनित होने वाले मेरे पिता अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, इसलिए इस पवित्र मुकुट के साथ मुझे भेजा है। इस मुकुट को आपके चरणों में रखकर त्रिकर्ण शुद्धि से साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। उनके नमस्कार को स्वीकार कर लो मां। महामंत्री जी। जी राजमाता। गांधारा युवरानी अलकनंदा बहुत सुंदर है ना? हाँ, सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि युद्ध विद्या में भी निपुण है। इकलौती संतान होने के कारण क्षेमेंद्र महाराज ने अलकनंदा देवी को राजनीति की भी पूरी शिक्षा दिलाई है। महामंत्री जी, राजकुमारी अलकनंदा हमारी बहू बन जाए, ऐसी किस्मत है हमारी? किस्मत तो भगवान के हाथ में है, पर ख्याल अच्छा है। गंधारा और अवंती दोनों राज अगर मिल गए तो महान साम्राज्य की स्थापना हो सकती है। ठीक कहते हैं आप, कौन जाने देवी की क्या इच्छा है। महारानी की जय हो। क्या बात है कुकुटेश्वर? राजकुमार आदित्य वर्धन पूजा में तशरीफ नहीं ला सकते, उनके बजाय युवराज के भाई उग्र राव पूजा करेंगे, ये राजगुरु ने कहा है। ठीक है। ये आदित्य वर्धन ऐसे क्यों कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ऐश की जिंदगी गुजारते गुजारते राजकुमार अपनी जिम्मेदारियां भूल बैठे हैं। राजमाता, आचार्य अभंग देव की शिक्षा पाकर हमारा बेटा हर विद्या में माहिर हो गया, इससे हमें खुशी हुई, मगर उन विद्याओं में ऐश भी एक विद्या थी, ये हम समझ नहीं पाए। मैं हूँ तेरा।
मेरा दिल डूबा तेरी आंखों में। जसवंती, तुम न केवल राजनर्तकी हो बल्कि मेरी दिल रुबा हो, मेरे दिल के सिंहासन पर राज करने वाली मेरी रानी हो। सारा प्रेम मेरी ही दामन में डाल दोगे तो अपनी जनता अपने कर्तव्य के लिए क्या छोड़ोगे? जनता को तो ऊपर वाला जनता है, और जो जनता है वो जनता की चिंता करता है, लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा प्रेम तो सिर्फ तुम हो। उस ना चीज के लिए आपके हृदय में इतना उच्च स्थान है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ राजकुमार, अगर मेरे कारण आपकी बदनामी हो ये मैं कभी नहीं सहन कर सकती। तो सहन करने की आदत डालो जसवंती, जो प्रेम बदनाम नहीं होता उस प्रेम का कोई नाम भी नहीं होता। तो
तुम लोगों की परवाह क्यों करती हो? तुम तो इस अवंती के राजकुमार आदित्यवर्धन की आनंदवर्धनी हो। ये आप कहते हैं, लेकिन दुनिया तो यही समझेगी ना, साल में एक बार अपराजिता देवी की पूजा होती है। इस पूजा में भी मेरे कारण आप नहीं गए। हमें तुम्हारी पूजा से फुर्सत नहीं मिलती, तो उस पूजा में जाने के लिए किसके पास समय है? और फिर राजगुरु तो चले गए होंगे, हमारी तरफ से पूजा करवा दी होगी। राजघराने में पैदा होने का यही तो फायदा है, सोचने के लिए किसी और का दिमाग लगता है और युद्ध में मरने के लिए किसी और की जिंदगी दांव पर लगती है। खैर छोड़ो इन बातों को, आज अपने विलास लासे से इतना मदहोश कर दो कि शराब भी शर्मा कर तुमसे नशे की भीख मांगने लगे। पीछा करो। हमारे पुरखों की निशानी गांधारा साम्राज्य का गौरव चोरी हो गया। महामंत्री, आप तो हमारे उस मुकुट की विशेषता जानते हैं ना? हाँ प्रभु। तो फिर उस मुकुट की रक्षा का प्रबंध ठीक से क्यों नहीं किया गया? प्रबंध तो बहुत जबरदस्त किया गया था महाराज, हम सब हर घड़ी हर क्षण सावधान भी थे और मुकुट पर तो खुद सेनापति वीर वर्मा पहरा दे रहे थे। महाराज, मुकुट की रक्षा करने में असफल रहा, मैं शर्मिंदा हूं महाराज, बहुत शर्मिंदा हूं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सेनापति, अब हम विश्राम करना चाहते हैं एकांत में। जो आज्ञा। पिताजी, आप महामंत्री से मुकुट की विशिष्टता की बात कर रहे थे, ऐसी क्या बात है उस मुकुट में? बेटी, उस मुकुट में महिमा है, करिश्मा है, चमत्कार है। हमारे पूर्वजों को आशीर्वाद देते हुए योगी ने कहा था कि जब तक ये मुकुट तुम्हारे पास रहेगा तब तक इस सिंहासन पर देवताओं का साया रहेगा, दुश्मन तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे, तुम्हारा राज बरकरार रहेगा। वरना? वरना हमारे राजवंश का अंत हो जाएगा, भूपति खानदान खत्म हो जाएगा। बेटी, ये चोरी एक मामूली चोर या लुटेरे का काम नहीं है, हमारे विद्रोह में किया गया एक षड्यंत्र है, ये एक राजनीतिक साजिश है। हाँ, ये साजिश है, गांधारा के गद्दार जागीरदारों की साजिश। उसके सिंहासन को निगल जाने के लिए एक पद्मव्यूह रचाया गया है, मुकुट चुराकर राजकुमारी अलकनंदा देवी के राजतिलक को रोकने के लिए एक गहरी चाल चली गई है, इसलिए हमें इस साजिश को शुरू में ही खत्म कर देना होगा। मगर सरदार, गांधारा की सेना वाहिनी जिसकी रग रग में देशभक्ति की भावना भरी हुई है, ऐसी शेरनी से युद्ध करने की कौन हिम्मत करेगा? है कम उम्र दुष्ट काल भैरव, वो अपने जागीर के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उनका खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियों को भर रहा है। उसमें महाराज बनने का लालच तो बहुत है, लेकिन अपनी जागीर को फैलाने की न उसमें शक्ति है न राज्य को चलाने की काबिलियत। इन जागीरदारों को, इन मुगट चोरों को, अवंती राज में संकट पैदा करने वाले लुटेरों को, इन सबको चलाने वाली एक शक्ति है। वो शक्ति कौन है? वो जो भी हो राजनीति में माहिर है। अगर हमें यह पता चल जाए कि वो अवंती राज का है या गांधारा राज का,
तो मुकुट को हासिल करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन सरदार, अब हमें करना क्या होगा? इससे पहले कि वो सांप अपने फन फैलाकर डसना शुरू कर दे, उसका सर कुचलना बहुत जरूरी है। जो लोग गांधार राज के वंश को खत्म कर देना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उन्हें खत्म करना होगा। और इसके बाद अवंती राज में पेड़ पर कर, खेत पर कर, नौकरी पर कर, जिंदगी पर कर, मौत पर कर, हमें जनता को इन सब करों से मुक्ति दिलानी होगी। गांधार राज में धर्म पालन की स्थापना करनी होगी और अवंती राज में अधर्म पालन का खात्मा करना होगा। यही हमारा लक्ष्य है। सरदार की जय हो। कुछ सिपाही जंगल में छुपते हुए राजगढ़ की तरफ जा रहे हैं। मुझे शक है कि कोई खजाना या कोई कीमती चीज छुपा के ले जा रहे हैं। राजगढ़ यानी कट्टारी कटैया। ये किसका माल है? हमें नहीं मालूम महाप्रभु। तो फिर सुनो, ये माल जनता का है और उसके कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह हमारा हुक्म है यानी विक्रम सिंह का हुक्म है। आप वीरों के वीर महावीर विक्रम सिंह? प्रणाम प्रभु। कीमती गहने और जवाहरात, हमारा ख्याल ठीक निकला। राजगढ़ के जागीरदार शूरवीर कटारी कटैया को हमारा आशीर्वाद। हमारी दोस्ती हमेशा के लिए कायम रहे और फौज की शक्ति और बढ़े, इसलिए हम ये खजाना भेज रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारी कटार की धार हमेशा सुदर्शन चक्र की तरह चलती रहे। भविष्यवाणी, ये खच्चर कौन है? खैर, इस भविष्यवाणी का पानी तो हम बाद में उतारेंगे, पहले इस कटारी कटैये को ठिकाने लगाना होगा। असली पत्र कटारी कटैये को हम लिखेंगे। सिपाहियों, इस पत्र के साथ ये संदूक भी उसके पास पहुंचा दिए जाएं। शेर खान। पत्थर? कटारी की कटैया की कसम, हम लोग लगातार इन बियाबान जंगलों में खाक छानते हुए इन हीरे जवाहरात का इंतजार कर रहे थे, और तुम लोग जवाहरात के इन संदूकों में पत्थर भर कर ले आए हो। जवाहरात कहाँ है? है? पापिया, पढ़ो। कटैया, हीरे जवाहरात राजा महाराजाओं को शोभा देते हैं, तुम जैसे नीच को नहीं, जो दुनिया को धोखा देते हैं। इसलिए उन जवाहरात को मैंने अपने पास रखा हुआ है और नजराने के तौर पर तुम्हारे लिए ये पत्थर भेज रहा हूँ, ताकि कहीं गुस्सा आ जाए तो अपना सर फोड़ने में आसानी हो। बहादुर विक्रम सिंह। ओ, तो वो जवाहरात उस टाकू के हाथ लग गए। पपैया, फौरन अपनी भेड़िया फौज तैयार करो, और वो जहां भी होगा हम वहां पहुंचकर उसे सूखी घास की तरह काट डालेंगे। कटैया, अरे घास खाने वाले बेवकूफ खच्चर, तू इन भेड़ियों की फौज जमा करके शेर का शिकार करना चाहता है? अरे शेर एक दहाड़ मारेगा ना तो तेरे इन भेड़ियों का कलेजा फटकर बाहर निकल आएगा। विक्रम सिंह? हाँ मैं। जहां हवा भी नहीं पहुंच सकती, वहां विक्रम सिंह आसानी से पहुंच जाता है। भविष्यवाणी ने तुझे ये खजाना फौज बढ़ाने के लिए भेजा था ना गद्दार? सारी जिंदगी तू गांधारा के महाराज श्रमेंद्र भूपति के चरण धो धो कर उस पानी को अपने सर पर डालता रहा है, जिसके बदले तुझ जैसे चोर भिखारी को जागीर नसीब हुई, और जिसकी वजह से तेरे शरीर में बेईमानी की चर्बी चढ़ गई है। कि तुम मेरे इलाके में मुझे धमका रहे हो? तुम्हारी भलाई के लिए तुम कसम खा लो कि आज के बाद उस देशद्रोही भविष्यवाणी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। बहुत खूब। एक डाकू जो दिन दिहाड़े राहगीरों को लूटता है, मुझे वफादारी और शराफत का सबक सिखाने आया है। अरे मैं भी तुम्हारा सर काट कर भूदेवी के चरणों में बलि चढ़ा दूंगा। सर, हम तुम्हारा काट देंगे। मैं नहीं चाहता फजूल किसी का खून बहे। कटैया, तुम तो अपनी कटारी में माहिर हो ना, क्यों ना हम आपस में ही फैसला कर लें? मुझे मंजूर है।
खान पत्र पढ़ो। श्री शेमेंद्र महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कटारी कटैया की एक प्रार्थना। इस राजद्रोह से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं हमेशा आपका दास था और रहूंगा। आपका पैर धोकर पीने वाला कटारी कटैया। हस्ताक्षर कराओ। शुभ समाचार महाराज। क्या बात है? महावीर विक्रम सिंह ने राजगढ़ के गद्दार जागीरदार कटारी कटैया को द्वंद युद्ध में हराकर उसके हाथों माफीनामा और राजभक्ति का पत्र लिखवाकर भेजा है। देश बहिष्कृत विक्रम सिंह, जिसे देश निकाले की सजा दी गई थी, वो इतनी देशभक्ति क्यों दिखा रहा है? जरूर इसके पीछे को खास कारण है महाराज। ठीक कहते हो भानु प्रताप, हर किसी की देशभक्ति के पीछे कोई ना कोई खास कारण होता ही है। आप भी तो देशभक्त हैं, आपकी देशभक्ति के पीछे भी कोई खास कारण अवश्य होगा। अब यह बात और है कि कारण कारण में फर्क होता है। जी, भगवान आपका साया हजारों साल तक हमारे सर पर सलामत रखे। आपने मेरी देशभक्ति को सराहा और यह सर आपकी सरकार में झुक गया। अब मैं आगे चाहूंगा महाराज। अब तो विक्रम सिंह का साहस, उसकी हिम्मत और बहादुरी ही सिंहासन की रक्षा कर सकती है। क्या बात है? कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं? लूट लो इन सबको। क्या निकाली है? क्या विक्रम सिंह की? प्यारे देशवासियों, हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारा राज्य खुशहाल रहे और तरक्की करता रहे, जिसकी वजह से आप लोग भी हमेशा सुखी रहें और खुश रहें। लेकिन कुछ खतरनाक लुटेरों ने हमारी कोशिशों को बर्बाद करने के लिए गांव-गांव में लूट मार मचा रखी है, हमारे देश में अशांति फैला रहे हैं। हमारी सेना उनका मुकाबला कर रही है, लेकिन ऐसे बागियों को हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए हमें अपनी सेना को और बढ़ाना होगा, और इसके लिए मजबूरन हमें नए कर लगाने होंगे। और वो कर क्या होंगे, आपके सेनापति उग्र राहु जी आपको बताएंगे। पहला कर है शादी कर। आज के बाद जितनी भी शादियां होंगी, हर शादी करने वाले व्यक्ति को 1000 मोहरे शादी कर देनी होंगी। दूसरा कर है जन्म कर। आज के बाद जो भी बच्चा जन्म लेगा, उसके माता पिता को 200 मोहरे जन्म कर देनी होंगी। ये तो जरूरी है कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसे मरना भी है, इसलिए मरने के बाद उसके रिश्तेदारों को 200 मोहरे मरण कर देनी होंगी। अरे, अगर मरने वाले का कोई रिश्तेदार ना हो बादाम खाकर, तो उसके जान पहचान वालों को, उसके मोहल्ले वालों को मरण कर भरना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर के दांतों के साथ जनता को बादाम की तरह चबाया जा रहा है। कचूर कचूर। खामोश। और अंतिम नियम ये है कि इस राज्य में कोई भी मनुष्य 10 बीघे जमीन से ज्यादा नहीं रख सकता, नहीं तो वो जमीन जब्त कर ली जाएगी। ये तो सरासर जुल्म है, क्योंकि इस महानगर के अंदर आधी से ज्यादा जमीन तो गुरुजी के पास है, बाकी आधी आपके पास है। चुप। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा।
क्योंकि मेरे पास तो इतनी जमीन भी नहीं है कि मैं रख के बादाम तोड़ सकूं या बादाम का झाड़ उगा सकूं। चुप। जब तक ये सिंहासन खाली रहेगा तब तक ये लेकर रखते रहेंगे। प्रजा ये जानने के लिए उतावली है कि राजकुमार को राज सिंहासन पर कब बिठाया जाएगा। हम खुद राजकुमार को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए बेचैन हैं, मगर जिन हालात से हमारा राज इस समय नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, इस वक्त राजकुमार के कंधों पर राज का भार डालना उचित नहीं है। जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे राज तिलक भी हो जाएगा। हम खुद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राजकुमार आदित्य वर्धन को इस सिंहासन पर बिठाकर हम कार्यभार से मुक्त हो जाएं। आए भाई आए, सबको हमारा प्रणाम। चिरंजीव भवा, आज हम कितने दिनों के बाद अपनी आंखों की रोशनी को देख रहे हैं। ये माहौल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आज हमें उपदेश देने के लिए बुलाया गया है। हमारे आदित्य वर्धन का दिमाग पारे की तरह तेज है। वो कितनी आसानी से भाप गए हैं अपने मन की नाक से कि हमारे मन की बात कौन सी होने वाली है बादाम खा के। उपदेश नहीं कंवर, भविष्य के बारे में आपका क्या इरादा है ये जानने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। राजकुमार, आपके पिता यशवर्धन महाराज जवानी में ही सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने इस अकलमंदी से राज्य का काम संभाला था कि आज तक सब लोग उन्हें याद करते हैं। आप भी राजनीति में उत्तीर्ण हैं, तेज हैं, युद्ध विद्या में माहिर हैं और आपको तो ये मतलब ये कि नाच और रंगरलियों में जो समय हम गुजार रहे हैं वो रंग आपको अच्छा नहीं लगा, यही ना? सिर्फ राजगुरु ही नहीं, राज की जनता भी यही चाहती है राजकुमार। क्यों, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए अच्छी सरकार, वो सरकार अखंड राजनीति के आचार्य अभंगदेव चला रहे हैं, महाबुद्धिशाली श्रीकांत जी मंत्री का काम संभाले हुए हैं, मेरे चचेरे भाई उग्र राहु सेना का बोझ उठाए हुए हैं। जब ये महान और ऊंचे लोग राज्य का सारा काम संभाल ही रहे हैं तो मुझ पर खामखा ये जिम्मेदारी का बोझ क्यों डाला जा रहा है? राजकुमार, अब मैं थक चुका हूँ, सब कुछ त्याग कर किसी आश्रम में बैठ कर तप करना चाहता हूँ। अब इस बुढ़ापे में राज का बोझ नहीं उठाया जाता। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ राजकुमार, जिंदगी की ये इमारत न जाने कब टूट कर मौत की जमीन पर बिखर जाए। राजकुमार, जिद न कीजिए, आपके राज तिलक के साथ साथ राजमाता को आपका ब्याह देखने की भी बहुत इच्छा है। जिस सुंदरी का ख्याल हमने अपने मन में बिठा रखा है जब तक वो हमें मिल नहीं जाती तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। दादाजी। चंदना आ बेटिया। मैं नहीं आऊंगी। क्यों, हमसे नाराज है? बिल्कुल, एक साल गुजर गया आप हमसे मिलने तक नहीं आए, चाहिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते, दादाजी महापुरुष हैं, इनका आशीर्वाद मिले तो पूरा जन्म सफल हो जाता है। चलो चरण छुओ। तुम्हारा जीवन सफल हो, जैसे जंगल की आग हर प्राणी को चौंका देती है इसी तरह तुम्हारा यह पुरुष रूप हर पुरुष को आकर्षित कर सकता है। तुम्हारी सुंदरता हर मनुष्य के हृदय में आग लगा सकती है, किसके लगाएगी किसके लिए शराब बन जाएगी कोई नहीं जानता। तुमने जिस कारण जन्म लिया है वो जग नाटक रचाने का समय आने वाला है, तब तक तुम जानवरों और परिंदों के साथ खेलती रहो। जाओ। विश्वास नहीं आता कि ये चंदना गंधी वही बच्ची है जो 16 बरस पहले नदी के किनारे हमें मिली थी। आचार्य जी, मैंने पहले नीम के रस से चंदना के गर्भशील को परिशुद्ध किया, बाद में लहसुन के रस में पीसे हुए रेत कंकड़ और यशांतर मिलाकर खिलाना शुरू किया, फिर ये धतूरे को फल की तरह खाने लगी, संखिया गुड़ की तरह चाटने लगी, फिर ये धीरे धीरे महानाग के जहर को भी आराम से पीने लगी। चंदना विष कन्या बन गई है, क्या ये बात वो जानती है? नहीं, ये जानने का मैंने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। इस भयंकर विष भरी कन्या की मदद से हमने किसी के जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया है, और जब तक वो कीड़ा इस जहर के ज्वालामुखी से जलकर भस्म ना हो जाए तब तक इंतजार करो, बाद में तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सम्मान देकर इस वनवास से विमुक्त कर दिया जाएगा। ऐसी आपकी आज्ञा।
हाँ एक बात और याद रखना, जिसे हम भस्म करने की बात कर रहे हैं, जब वह इस आश्रम के आंगन में दाखिल होगा तो सिवाय चंदना के कोई और उसे दर्शन नहीं देगा। तुम या दूसरे प्राणी उसके सामने बिल्कुल नहीं जाओगे। जी ठीक है युवराज, आपको राज तिलक की जरूरत नहीं है मंजूर है, आपको विवाह की जरूरत नहीं है मंजूर है, हमने तो आपकी हर इच्छाओं को मंजूर कर लिया है, कभी आप भी हमारी छोटी सी इच्छा को मंजूर कीजिए। क्या है? बरसों से तमन्ना थी कि आपके साथ शिकार पर जाएं, आज वो मौका आया है। शिकार पर जाना तो हमें पसंद है, लेकिन आज ही क्यों? वो क्या है कि रियासत के किसान फरियाद लेके आए थे कि जिस तरह आंधी और तूफान ने हमारे सर की खेती को बांझ कर दिया है, उसी तरह जंगली जानवरों ने उनके खेतों को खा लिया है। अगर आप चले शिकार करें तो शिकार का शिकार होगा, उपकार का उपकार हो जाएगा। शिकार पर तो हम चलेंगे, लेकिन हम मासूम जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। कहाँ है वो खतरनाक जानवर? कहीं भी तो नजर नहीं आ रहे। उन खतरनाक जानवरों को आज ये पता चल गया होगा कि उनकी जिंदगी खतरे में है, इसलिए डरकर उस पहाड़ी के पीछे छुप गए होंगे। चलो वहीं चलते हैं। नहीं, आप इस तरफ से जाइए और मैं इस तरफ से जाता हूँ। ठीक है, और तुम लोग हमारे आने का इंतजार करो। Thank you.
होश में जवानी आई, होश खो गया। देखा तुझे देखते ही प्यार हो गया। चलते हैं पान लच के तू ऐसे जैसे काम की कमान। वाह वाह, ये मेरी मर्दानापन घायल हो गया हूँ। चिंता न चिंताना, वाह वाह, चिंता न चिंताना। वाह वाह क्या रंग है, वाह वाह क्या रूप है, सोने में सुगंध मिली है, निगाहें जैसे कमान, जिसका फेंका हुआ तीर तेजी से आया, साथ में जंजीरें भी लाया, दिल को भी घायल कर गया और पैरों को भी जकड़ गया। तुम देवकन्याओं जो स्वर से उतरकर धरती पर आई हो, अपने दिल में जो तस्वीर हमने प्रेम के रंगों से बनाई थी, तुम बिल्कुल वही हो, हमारे सपनों को हकीकत बना दिया। कौन हो तुम? इंसान हूं। नहीं, तुम इंसान नहीं हो, तुम प्रकृति के खूबसूरत जरों से सजाकर बनाया हुआ एक बेमिसाल नमूना हो। तुम्हें बनाकर खुद बनाने वाला भी तुम्हारे प्रेम में गिरफ्तार हो गया होगा। मैं युग युग से तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब तक कहाँ थी तुम? इस जंगल में। लगता है इसी जंगल के फूलों ने तुम्हारी सुंदरता को खुशबू दी होगी, यहाँ के चंदन के पेड़ों ने तुम्हारे हुस्न को चमक दी होगी, यहाँ के पक्षियों ने तुम्हारे गुलाब जैसे पंखड़ी होठों को बोलना सिखाया होगा। क्या इस झरने की सुरों भरी कलकल की आवाज तुम्हारी सखी है? क्या वन देवता ने तुम्हारी परवरिश की है? बोलो, जवाब दो अमृत कन्या। हमारा नाम अमृत कन्या नहीं, चंदना गिंदी है। होगा, मगर हम तुमको अमृत कन्या ही कहेंगे। आपकी बातों का अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम खुद ही मेरी बातों का अर्थ हो, मेरी जिंदगी का अर्थ हो, तो फिर अर्थ को अर्थ कहां समझ में आएगा? पंडित जी मत जल्दी पढ़िए, राधी भाई आ गए तो विवाह मुश्किल हो जाएगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन वर गांधारा का है और वधु अवंती की है, ये विवाह किस प्रकार के आचार से होगा? आचार कोई भी हो, शादी के लिए सबसे जरूरी चीज है मंगलसूत्र धारण। ये रस्म दोनों राज्यों में एक ही है। कर दिए तुम इन्हें मंगल सूत्र नहीं पहना सकते। दया करो प्रभु। हाँ कर। क्या तुम ये नियम नहीं जानते हो कि अगर अवंती के लोग गंधारा के लोगों के साथ विवाह करें तो उन्हें उस विवाह का कर चुकाना पड़ता है? पहले ही इतने कर लगा चुके हैं, वो काफी नहीं है, अब शादी पर भी कर लगाएंगे।
हाँ, कर लगाया जा रहा है। जो हुकूमत कर लगाना नहीं जानती वो सरकार हुकूमत करना नहीं जानती, समझे आप? ये तो शुक्र कीजिए कि कर लगाया गया है सिर्फ विवाह पर, विवाह के बाद के कार्यक्रम पे नहीं लगाया गया कर। बस ठीक है, अब बातें बंद करो, जल्दी से कर अदा करो। अब ये विवाह क्यों नहीं हो सकता? क्या आप विवाह पर भी कर लगाएंगे? आप लोग जनता पर राज कर रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं? हमारे राज्य में ये सब चलेगा? तुम होते कौन हमसे सवाल करने वाले? पहले तुम ये जान लो कि मेरी मौजूदगी में तुम्हारे बाप का पेट जड़ नहीं पकड़ सकेगा। जाकर अपने जालिम माला से कह दो कि तुम्हारी राजनीति का सियासन जुल्म के दलदल पर खड़ा हुआ है। खामोश, तुम जानते नहीं तुम किसके सामने बकबक कर रहे हो। हम अवंती के सेनापति उग्र राव हैं। ज्यादा बकवास की तो इस घमंडी सर को घोड़ों की टापों के नीचे दबा कर बेतमी ज्यादा बारीक बना देंगे। पाप की हड्डियों से बने हुए तुम्हारे पिलपिले सर को तोड़ने के लिए हमारी छोटी उंगली ही काफी है। भाई साहब तीरंदाजी, आपकी जय हो। क्या आप अपना नाम बताकर हमारे इस कान पर उपकार कर सकते हैं? क्यों क्यों? क्योंकि हम जिससे पिटकर आए हैं, कम से कम अपने गुरुदेव को उसका नाम तो बता दे। बादाम खाकर पाप की फसल को मिटाकर इंसाफ की फसल को उगाना जिसका काम सारी दुनिया जानती है, विक्रम सिंह उस बहादुर का नाम। विक्रम सिंह मर गए बादाम खाकर। विक्रम सिंह विक्रम सिंह। हाँ, जुल्म को साफ करके इंसाफ की फसल उगाना जिसका काम है दुनिया जानती है, विक्रम सिंह उसी बहादुर का नाम है। देशद्रोही, अपनी रियासत से देश निकाले की सजा पाया हुआ। हाँ, लेकिन हमारे लिखे हुए इतिहास के अनुसार विक्रम सिंह जो है ये गंधारा राज का सेनापति था एक जमाने में, और अब अपराजिता देवी के जंगल में रहता है। हाँ, और हमने सुना है बादाम खाके उसके साथी भी बहुत से रहते हैं उसके साथ। कुकड़ू गुरु, तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी हमारे बहुत बड़े मित्र थे जी, इसलिए हम आज तक तुम्हारी हर बकवास सहन करते आए हैं, लेकिन अब आइंदा चुप रहा करो। हम बोलते हैं कभी। उग्र राहु, अब हमें क्या करना चाहिए? आप फिक्र मत कीजिए राजगुरु जी, मैं अपने घोड़सवार साथियों के साथ जंगल में जाऊंगा, उसके अड्डे की तलाश करूंगा, उसे पकड़ के रस्सियों से बांध कर कुत्ते की तरह आपके कदमों में डाल दूंगा। वो अपने चंद आदमियों के साथ हमारे इलाके में आया और तुम सबको मार भगाया, और तुम उसके इलाके में जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लाना चाहते हो? असंभव। चंदना, अरे रुक क्यों गई? आश्चर्य या आनंद? पता नहीं, जब तक आप नहीं आए थे आपको देखने के लिए मन व्याकुल था, और जब आप आ गए हैं तो दूर रहने को कह रहा है, जाने ही संकोच क्यों? बिल्कुल सही है, शादी से पहले गैर पुरुष के स्पर्श से दूर रहना ही पवित्र स्त्री के लक्षण है, और उस दूरी को दूर करने के लिए ही हम फौरन शादी का मुहूर्त निर्णय करने जा रहे हैं। कौन जाने लौटने में कितने दिन लग जाए, अब इंतजार का एक एक पल मन में कांटे की तरह चुभता रहता है। हमसे अब ये सब नहीं सहा जाएगा, हमें भी अपने साथ राजमहल ले चलिए। तुम इस आदित्य वर्धन की होने वाली महारानी हो, और तुम एक साधारण स्त्री की तरह राजमहल में प्रवेश करो, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा तो वो स्वागत होगा कि इंद्रलोक में भी किसी अप्सरा का नहीं हुआ होगा। हर चौक पर मोती कंकर की तरह बिखरे होंगे, फूलों की जगह हीरे जवाहरात से रास्ते पर तुम्हारा स्वागत होगा। सोने की पालकी में बैठकर जय जयकार की ध्वनि के बीच तुम राजमहल में प्रवेश करोगे। महाप्रभु, आने वाले चैत्र मास के 7 तारीख का मुहूर्त रात्रि के लिए बहुत ही शुभ है, लेकिन प्रभु वो मुकुट तो अभी मिला ही नहीं। जैसी देवी की इच्छा होगी देखा जाएगा, अगर असली मुकुट नहीं मिला तो फूलों का मुकुट ही राज तिलक के लिए काफी होगा। महामंत्री जी, सब तैयारियां शुरू कर दी जाए। अवश्य, मैं अपनी तैयारियों में लग जाता हूं अभी से।
भानु प्रताप जी, हमें यहाँ भीष्म के इस खुफिया अड्डे पे क्यों बुलाया गया है? सावधान, होशियार, महापुरुष भविष्यवाणी, दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। महापुरुष भविष्यवाणी को हमारा सादर प्रणाम। गंधारा राज्य के देश उद्धारकों को हमारा प्रणाम। आप सब जानते ही होंगे कि आप सब सज्जनों को आज यहाँ किस लिए बुलाया है। शमेंद्र भूपति ने अलकनंदा देवी के अचानक राज तिलक की घोषणा कर दी है, यह आप सबका अपमान है। इतने पुरुषों के होते हुए राज की नेता एक स्त्री बनकर आप लोगों के सरों पर राज करे, क्या ये आप बर्दाश्त कर सकेंगे? हरगिज नहीं। आपका लहू खौलने लगेगा, आपकी शूरता मंड उठेगी, आपकी तलवार म्यान से बाहर आ जाएगी। भैरव नगर का ये जागीरदार काल भैरव प्रलय काल बनकर तबाही मचा देगा और ये कटैया कटार बनकर लोगों के सर कलम कर देगा और ये शंखंत राजा अपने शंख की आवाज से आकाश और पाताल में हलचल मचा देगा और गंधारा देश पर स्त्री के अधिकार के लिए जिद करने वाले शमेंद्र के वंश को जड़ से उखाड़ देंगे। सुनो, एक तरकीब है जड़ से उखाड़ने की। अगर राज तिलक के मुहूर्त को किसी तरह रोक दिया जाए तो जनता में बेचैनी फैल सकती है और उसी मुहूर्त के समय किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुष को मुकुट धारण करवा दिया जाए, इसी को राजनीति कहते हैं। वो श्रेष्ठ पुरुष कौन है गुरुदेव? गंधारा देशभक्त, अखंड राजनीतिज्ञ, भानु प्रताप के बेटे काल केतु का नाम अगर मैं लूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है काल भैरव? आपका हुक्म सर आंखों पर गुरुदेव, मगर काल केतु को राजा बनाने से हमारा क्या फायदा होगा? वो हर जागीरदार को अपने अपनी जागीर से पूरा फायदा उठाने का हक नहीं है। हमें कोई एतराज नहीं, यही तो हम चाहते हैं। ठीक है भानु प्रताप, रियासत के बाकी जागीरदार तो सब हमारे साथ हैं ना? जी हाँ, धनराज टीकाचंद और प्रेम सिंह को छोड़कर बाकी सब हमारी तरफ। नहीं, नागराज और विश्व भारती भी उन्हीं की तरफ झुके हुए हैं। कारण? विक्रम सिंह ने उन्हें बरगलाया और वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए। विक्रम सिंह, हम तो उसे राजनीति से बेखबर एक तलवारबाज सिपाही समझते थे, लेकिन वो राजनीति के दाव पेच खेलने के लिए हमारे मुकाबले में आने की हिम्मत कर रहा है। खैर, आने दो, हम उसे बताएंगे कि तलवार की वार से कटा हुआ सर एक बार जुड़ सकता है, लेकिन सियासत की वार से कटा हुआ सर कभी नहीं जुड़ता। हमारे रचाए हुए व्यू का मुकाबला वो किस तरह करता है, हम भी तो देखें। भानु प्रताप, जागीरदारों को उनका कर्तव्य समझा दो। जी। गंधारा किले के एक तरफ समंदर है, तीन तरफ से अंदर जाने का रास्ता है। उत्तर की ओर से काल भैरव की सेना, दक्षिण की ओर से विजय सिंह की सेना और पश्चिम के मार्ग से कटारी कटैया की सेना चुपके से जंगल के रास्ते आकर छुप जाएगी और उन्हीं रास्तों से तमाम जागीरदारों की सेना जंगल में आकर छुप जाएगी और ठीक राज तिलक के मौके पर सब आकर किले को घेर लेंगे और राज तिलक की खुशी में डूबे हुए गांधारा सेना को वो काट कर मौत के दरिया में डुबो देंगे। आचार्य अभंग देव ही भविष्यवाणी है, इस विरोध के पीछे असल मूल शक्ति वही है। जागीरदारों की सहायता से राजकुमारी अलकनंदा देवी के राज तिलक को रोकना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर किले पर कब्जा करने के लिए फौज के घेरे की व्यवस्था भी जरूर की होगी। इस व्यू रचना का तोड़ बताइए सरदार। जागीरदारों की फौज किले पर कब्जा करने के लिए जंगल के रास्ते से आ रही होगी। राम सिंह, तुम अपना दस्ता लेकर पश्चिम की ओर जाओ। जो आज्ञा। महावीर, तुम उत्तर की ओर जाओ। मान सिंह, तुम दक्षिण की ओर जाओ। गांधारा राज्य के किले तक पहुंचने वाले उन तीनों रास्तों को बंद कर दो, गद्दारों को रोक दो और हो सके तो उन्हें मार डालो, लेकिन दुश्मन किसी भी हालत में जंगल से आगे न बढ़ने पाए। अभंगदेव, अगस्त ऋषि की तरह तुमने गांधारा राज्य को अपनी राजनीति के जरिए परवान चढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी कूटनीति का अंजाम भी देख लो। तुम्हारी हार तुम्हारे सामने खड़ी है आचार्य। We'll be right back.
बता बता कहाँ छुपा रखा है वो मुकुट? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? कमीने, विक्रम सिंह के हाथों मारा जाएगा। आप विक्रम सिंह? हाँ। मुझे मत मारिए, बताओ बताओ वो सामने गुफा में रखा है। इस शुभ अवसर पर महाराज की ओर से तमाम जागीरदारों, नागरिकों और कुलपतियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आजुर्मय सहस्रम आजुरे बावरुणे सर्वस्मय स्वाहेच्छाः अपरिमितमेव वरुणे। आयुष्मान भव, अब राज मुकुट पहनाइए। मुकुट, फिलहाल तो ये फूलों का ही मुकुट है पुरोहित जी। मां प्रभु, गांधर्व राजवंश का रक्षामणि, उसकी इज्जत, उसकी मर्यादा और सिंहासन की जान, वो महत्वपूर्ण मुकुट यही है। विक्रम, तुमने गांधारा राजवंश के झुके हुए सर को ऊंचा कर दिया। गांधारा तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। ठहरो, कौन है वो जो इस दिव्य मुहूर्त को रोकने के लिए आवाज उठा रहा है? पवित्र नदी जल से पुनित की हुई अलकनंदा देवी के मुकुट धारण करने के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, किसकी हिम्मत हुई? दुर्गापुर के जागीरदार काल भैरव की। ये राजतिलक नहीं होगा और किसी हालत में भी नहीं हो सकता। आपको क्या एतराज है काल भैरव? कोई जरूरत नहीं है एतराज मालूम करने की, सिर्फ एक जागीरदार के एतराज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है विक्रम सिंह, कौन जाने ये एक का एतराज है या तमाम जागीरदारों का, और अगर सबका एतराज है तो राज तिलक रोकना होगा। महामंत्री, आप जरा शांत रहिए। हाँ काल भैरव, कहो। हम मर्दों के होते एक स्त्री मुकुट ग्रहण कर सिंहासन पर बैठे, ये हमारा अपमान है, ये पूरी मर्द बिरादरी का अपमान है और ये अपमान हम सहन नहीं कर सकते। ये राज तिलक नहीं होगा, और सच बात तो ये है कि एक स्त्री राज करने के काबिल हो ही नहीं सकती। सिर्फ राजा की बेटी होने के नाते और राज मंदिर में पलने के कारण इस लड़की को आप लोग राज सिंहासन पर बिठाएंगे? ये किस बुद्धि से राज्य का भार संभालेगी और किस वीरता से सैनिकों को हुक्म देगी? खामोश, बंद करो अपनी ये बेहुदा दलील।
तुम राजकुमारी को अबला और कमजोर समझकर उनका तिरस्कार कर रहे हो। कौन कहता है कि औरतजात निर्बुद्धि होती है, उसमें शूरता नहीं होती। देवताओं की महिमा बनने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं का सामना करने वाली, तीनों लोकों में जुल्म सितम फैलाने वाले राक्षसों को मारकर उन्हें उन्हीं के खून से नहलाने वाली अपराजिता देवी जिसकी तुम पूजा करते हो, क्या वो स्त्री नहीं है? तुम देवी जैसी उसकी बेटी को कमजोर कहकर उसका अपमान कर रहे हो। महापंडितों ने जिसकी विद्या की प्रशंसा की, वेद उपनिषदों में जो माहिर थी, वो गार्गी मैत्री भी तो स्त्रियां थी। उस दिलो तुम कहते हो कि स्त्री राज्य करने की योग्य नहीं होती, उसका राज तिलक रोकना चाहते हो, उसे मुकुट पहनने से रोक रहे हो। ठीक है तो रोक कर देखो, मैं भी देखता हूं कि तुम्हें कितनी मर्दानगी है। तुम मेरी मर्दानगी के जौहर देखना चाहते हो विक्रम सिंह? थोड़ी देर में यह किला हमारे कब्जे में होगा। काल भैरव, तुम सिर्फ बागी ही नहीं, बहुत बड़े बेवकूफ भी हो। तुम्हारे सिपाहियों को हमारे बहादुरों ने जंगल में सूखे पत्तों की तरह काट कर बिखेर दिया है, और इस वक्त तुम गांधारा सिपाहियों से चारों तरफ से गिरे हुए हो। काल भैरव, मैं मानता हूं तुम लोगों ने यह साजिश बड़ी मेहनत से की थी, लेकिन पाप का सूरज पुण्य के आकाश में ज्यादा देर तक नहीं टिकता, वो अपने ही वजन से जल्दी डूब जाता है। तुम्हारी कोशिश नाकामयाब हो गई, इसलिए तुम राज तिलक रोकने की कोशिश मत करो। जब तक मैं जिंदा हूं ये राज तिलक नहीं होगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें यमदूत के हवाले करना ही पड़ेगा। सुना है तुम अंध युद्ध में माहिर हो, आंख पर पट्टी बांधकर तलवार से लड़ने में अपने आप को रुस्तम समझते हो। चलो राज तिलक से पहले इस भरी सभा में थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। अरे मैं एक पल में तुम्हारा सर काट दूंगा।
खत्म करने वाले की, महावीर सेनापति विक्रम सिंह की, शूरवीर सेनापति विक्रम सिंह की, गांधार रक्षक सेनापति विक्रम की, काल भैरव को खत्म करने वाले की, गांधार हत्याकांड के रक्षक की, महावीर सेनापति विक्रम सिंह की, काल भैरव को खत्म करने वाले की। विक्रम सिंह, तुम्हारी विजय गांधारा राज्य की विजय है। आज इस मुकुट को तुम अपने हाथों से राजकुमारी को पहनाओ। ये राज, ये देश, ये सिंहासन एहसान मंद है उस वीर का जिसने गद्दारों का सर कुचलकर इज्जत का ये ताज हमारे सर पर रखा। हम उनके देश निकाले की सजा को मंसूब करते हुए बड़े सम्मान के साथ दोबारा इस देश का सेनापति बनाने का ऐलान करते हैं। विक्रम सिंह, जैसा हमने सोचा था वही हुआ। एहसान करके जो एहसान का बदला नहीं लिया करते, विक्रम सिंह उन्हीं महान लोगों में से एक है। खैर, विक्रम सिंह को हम सम्मान ना दे सके, लेकिन गद्दारों को सजा जरूर देंगे। बगावत फैलाने वाले तमाम जागीरदार और उन गद्दारों के मुख्य गद्दार भानु प्रताप को उनके बेटे के समेत देश निकाले का हुक्म देते हैं। वाह, बहुत खूब। उस एक अकेले विक्रम सिंह ने इतने बड़े राजनीतिक को हरा दिया। हम दुनिया की नजरों से छुपाकर राजनीति की चाल चलते रहे और वो हमारी हर चाल की आहट सुनता रहा, लेकिन तुम्हारी आंखें एक बार भी ये ना देख सकी कि वो हमारी हर चाल की तरफ देख रहा है। भानु प्रताप, खामोश क्यों हैं आप? हमारे मंसूबों और हमारी चालों की नाकामी का क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास एक ही जवाब है, विक्रम सिंह। जब तक विक्रम सिंह जिंदा रहेगा, गंधारा जिंदा रहेगा, अवंती राज जिंदा रहेगा, लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जिंदा रहेगी और हमारा जीना मुश्किल से मुश्किल तर होता रहेगा। ये तुम नहीं बोल रहे हो, एक हारा हुआ सिपाही बोल रहा है, देश से बेइज्जत करके निकाला हुआ मंत्री बोल रहा है। नहीं, बल्कि मंत्री अपनी आंखों से देखा हुआ सच बोल रहा है। बड़ा नाश था ना आप लोगों को काल भैरव पर? निहत्ते हाथों शेर को फाड़ डालता था। उस पहाड़ जैसे इंसान को विक्रम सिंह ने भरी सभा में अपनी तलवार से सूखी घास की तरह छील के रख दिया। फिर तुम्हारे सिपाही क्या कर रहे थे? इतने बुजदिल थे कि एक आदमी का मुकाबला न कर सके। वही मैं पूछता हूँ कि ये सामंत और उनके सिपाही इतने बुजदिल थे कि अकेले विक्रम सिंह का मुकाबला न कर सके, या उसको आतावा देख कर डर कर गिलहरी की तरह पेड़ में चढ़ गए? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है बादाम खाके। ये तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे भानु प्रताप जी की बदकिस्मती बहुत अच्छी थी बादाम खाके कि ये बच गए। अलकानंदा देवी ने गद्दी पर बैठने और मुकुट वापस मिलने की खुशी में इन्हें सिर्फ देश निकाले की सजा दे दी थी, वरना इनकी गंदी सड़ी हुई लाश गंधारा के किसी चौराहे पे लटकती नजर आती। खामोश। अपमान, हमारा अपमान। लेकिन हर बड़े आदमी के साथ यही होता है। भीपत राव सिंघास टापू के साथ भी यही हुआ था। कौन जो कौन था वो? हमें क्या मालूम कौन था वो? कब पैदा हुआ था? ऐसे आदमी पैदा होते क्या? खामोश। चिंता मत करो तुम, हमारा नाम अभंग देव है, हम राजनीति के देवता हैं। विक्रम तो सियासत की गोद में लेटा हुआ अंगूठा चूसने वाला एक बच्चा है। एक हार से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस हार को हम फूलों का हार बनाकर दुश्मन की हार के समय खुद अपने गले में डालेंगे। तब तक हमारा क्या होगा? तुम और तुम्हारा पुत्र इसी जगह रहोगे। अच्छा, तो ये तोहफा गांधारा की महारानी अलकनंदा देवी ने हमारे लिए भेजा है और चाहती है कि हम इसे अकेले में खोलें। ठीक है। अलकनंदा देवी, आप आइए, बाहर आइए। आप और यहाँ क्यों? तोहफा पसंद नहीं आया? बात ये नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था कि इस प्रकार का तोहफा आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा।
और तुमने भी तो हमारे राज तिलक के समय जो मुकुट और बहादुरी का तोहफा दिया है वो आज तक शायद ही किसी न किसी को दिया हो। वो तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अच्छा, तो फिर हमारा राज तिलक होते ही दरबार से अचानक गायब क्यों हो गए? मैंने गद्दारों को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए उस काम को पूरा करने के लिए मेरा राजमहल से ज्यादा राजमहल के बाहर होना जरूरी था। मैं मानती हूँ कि तुम राज की सेवा करके इस देश के जनता के दिलों में खुशियां भर देना चाहते हो, लेकिन यहाँ एक दिन और भी तो है जो तुम्हें चाहता है। उसके दिल की आरजू कब पूरी करोगे, उसका प्रेम कब स्वीकार करोगे? Yeah.
महारानी जी, आप फिर कभी इस इलाके में, इस जंगल में मुझसे मिलने मत आइएगा। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपके राज्य के लिए, आपकी जनता के लिए और उनके लिए जो आपसे प्रेम करते हैं। शेर खान जी, सरदार, महारानी जी को हिफाजत के साथ राजमहल तक पहुंचा दिया जाए। जो हुक्म। मिठू बोलो, हमारे राजकुमार कब आएंगे? आ गए। कौन हो तुम? काल केतु गांधारा के होते होते रह गए राजा। आओ मेरी बाहों में। सुन रही को चंदना, घबराओ मत चंदना, इसे इसके किए की सजा मिल गई। लेकिन ये है कौन? ये काल केतु है, लेकिन ये मर क्यों गया? मैंने तो सिर्फ नाखून चुभोए थे। इसका समय पूरा हो गया, मौत को तो बहाना चाहिए। नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए, हमारे नाखूनों के चुभन से इसकी मृत्यु क्यों हो गई? ऐसी कोई बात नहीं चंदना, तुम जाके खेलो बेटी। मतलब इसमें कोई राज है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं पूछ के रहूं? नहीं नहीं चंदना, ये क्या कर रही हो? हम ये राज जानना चाहते हैं कि हमारे नाखून की चुभन से वो क्यों मर गया, वरना। नहीं नहीं चंद्रा, नहीं। तो बताओ राज क्या है? बताता हूँ, बताता हूँ। तुम साधारण कन्या नहीं हो, विष कन्या हो। तुम्हारी ये सुंदरता सिर्फ दिखावा है। तुम किसी को नाखून चुभाओ वो मर जाएगा, जिस किसी से प्रेम करो वो मर जाएगा। तुम 16 साल की आयु की कन्या नहीं हो, बल्कि 16 साल से इस शरीर के प्याले में पलता हुआ जहर हो, विष हो।
किसकी तस्वीर है ये और हमें क्यों दिखाई जा रही है? ये गंधारा राज की राजकुमारी अलकनंदा देवी की है, इसके साथ हम तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं। नहीं राजमाता, आपने दिखाने में बहुत देर कर दी, हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है। कौन है वो, क्या नाम है उसका? उसका नाम चंदना गंधी है और चंदन की खुशबू से भी ज्यादा खूबसूरत। ये किस राज्य की राजकुमारी है? इंसानियत के राज्य की। ये कौन सा राज्य है? है जहां छल कपट दौलत राजनीति और खुदगर्जी ने अभी तक कदम नहीं रखा, जहां महल में रहने वाले को राजा और झोपड़े में रहने वाले को गरीब नहीं कहा जाता, उस रियासत की राजकुमारी है वो। हम उससे मिलना चाहेंगे। अवश्य, अगर आपने जिक्र न भी किया होता तब भी हम उसे आपका आशीर्वाद लेने के लिए बुलाने ही वाले थे। चंदना, चंदना राजकुमार हमारे नसीब मत आइए, चले जाइए यहाँ से। अवश्य जाएंगे, लेकिन अवंती की होने वाली महारानी को साथ लेकर जाएंगे। हमने राजमाता को राजी कर लिया, वो एक नजर अपनी बहू को देखना चाहती है। आप चले जाइए यहाँ से। चंदना हमारे नसीब मत आइए, चले जाइए यहाँ से। हेलो चंदना, 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 जहर भरी जिंदगी का क्या फायदा जो प्रेमी की मौत का कारण बने, मुझे मरना होगा। क्या भानु प्रताप का बेटा काल केतु मारा गया? चंदना जंगलों में भाग गई और लापता हो गई, क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो विषकन्या है। लेकिन इतने सालों के बाद अचानक उसे इस राज का पता कैसे चला? मुझे मजबूरन कहना पड़ा, वरना वो मुझे भी अपने जहरीले नाखूनों से खुरच डालती। मौत के डर से सीने में छुपा हुआ राज मुंह से निकल गया। राजगुरु मुझे क्षमा कीजिए। अरे दोस्त, बरसों से राजनीति की एक भयंकर चाल चलने के लिए जो हम जाल बुन रहे थे, तुमने उस जाल में आग लगा दी और अब हमसे दया की भीख मांग रहे हो। तुम अपनी जान देते थे लेकिन वो राज नहीं बताते तो अच्छा था, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु से किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन तुम जिंदा लौट कर आए, इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसका सर इसके धड़ से अभी और इसी वक्त अलग कर दिया जाए। नहीं उग्र राहु, जल्दबाजी से काम न लो। यह बुजदिल है लेकिन विश्वास खाती नहीं है। इसे जीवित रहने का एक अवसर और दिया जाएगा। कपाल, तुम सारी जिंदगी हमारे कर्तव्य का पालन करते रहे हो। चंदना को विषकन्या बनाना तुम्हारा काम था, अब उस खोई हुई विषकन्या को ढूंढ कर लाना भी तुम्हारा ही काम है। अपनी मदद के लिए भीष्म के आदमियों को ले जाओ और किसी भी सूरत में उसे ढूंढ कर हमारे पास लाओ। महामंत्री जी, महामंत्री जी, क्या कर रहे हैं आप? मुझे मर जाओ, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, छोड़ दो मुझे। भानु प्रताप, ये क्या बुजदिली दिखा रहे हो? अगर भगवान हमारा साथ नहीं देता तो न दे। हम अपनी हिम्मत और मेहनत से मंजिल को पाकर रहेंगे। कौन सी मंजिल, किसकी मंजिल? अब तो मेरी मंजिल टूट के बिखर गई है। सारी जिंदगी बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भाई समझकर मैं आपके कहने पर अमल करता रहा और ये सपने देखता रहा कि एक दिन मेरा बेटा गंधारा के सिंहासन पर बैठेगा, वहां का राजा बनेगा। राजा तो नहीं बना लेकिन मौत की अर्थी पर जरूर लेट गया। मौत का वो जाम जो आपने दुश्मनों के लिए तैयार किया था, वह मेरा बेटा पीकर तड़प तड़प के मर गया। अब मेरे लिए क्या बचा है, किसके लिए मैं जिंदा रहूं? हमारे उग्र राहु के लिए। हम और तुम मिलकर बहुत जल्द अवंती और गांधारा को एक राज बना देंगे और इस साम्राज्य के सिंहासन पर उग्र राहु को बिठाएंगे। हम तो स्वयं तप करने के लिए जंगल में चले जाएंगे, तब हमारी जगह उग्र राहु से तुम राज का पालन करवाना। मैं अपना बेटा गवाकर गैर के बेटे का पालन करूं, और वो भी उग्र राहु जो आदित्य वर्धन के चचा विलास वर्धन का बेटा है उसकी सेवा करूं? मानो प्रताप, उग्र राहु विलास वर्धन का बेटा नहीं, हमारा बेटा है जी। हाँ, विलास वर्धन बरसों पहले अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ विलास मंदिर गए थे।
वहां आग लग गई और तीनों जलकर मर गए, मगर ये कोई नहीं जानता कि उस आग को लगाने वाला और कोई नहीं स्वयं हम थे। उसके बाद राज में आकर हमने कहा कि विलासवर्धन को और उसकी पत्नी को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन उसके पुत्र को बचा कर ले आए हैं। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि उसका पुत्र भी वहीं आग में जलकर मर गया था, और उसकी जगह जो हम बच्चा लाए वो हमारा अपना बेटा उग्रराहु था। क्या ये राज उग्रराहु को मालूम? हाँ, बिल्कुल हमारी और तुम्हारी तरह। जिस तरह हम दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। अब बताओ भानु प्रताप, उग्र राहु को पालना तुम्हारा कर्तव्य है या नहीं? है भैया, बिल्कुल है। मैं उग्र राहु को अपने बेटे की तरह पालूंगा, उसको देखकर अपने बेटे की याद करूंगा और अपने दिल में दुश्मनी की आग को हमेशा के लिए जिंदा रखूंगा। शाबाश, अब देखना हमारी राजनीति की चालों का चमत्कार। राज तिलक का ऐलान हो चुका है, लेकिन राज तिलक आदित्य वर्धन का नहीं, उग्र राहु का होगा। भीषम, गुरुदेव, जाओ जंगलों में भटकते हुए राजकुमार को ढूंढकर उसे मौत की नींद सुला दो। आश्चर्य है विक्रम सिंह, तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे हम आईने में अपनी परछाई देख रहे हैं। कितने हमशक्ल हैं हम दोनों, कैसी अजीब बात है। कोई अजीब बात नहीं, वो विधाता, वो भगवान जब किसी चीज को बनाता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा होता है। हमारी जान को खतरा है, ये तुम्हें कैसे पता चला? जानबूझकर आपकी गैरहाजिरी में आपके राज तिलक का जो ऐलान किया गया, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि बहुत जल्द आप किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने वाले हैं। साजिश? कौन हो सकता है ये साजिश करने वाला? जिसे जनता और आप सब लोग अखंड तपस्वी और त्यागी समझते हैं, साजिश करने वाला वही राजगुरु अभंगदेव है। और जिस राजगुरु पर विश्वास करके आप सारी जिंदगी शराब में डूब कर नाचने वालों के घुंघरू चाटते रहे, उसी राजगुरु ने आपकी हुकूमत की बुनियादों को दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर दिया है, और एक बगावत की हल्की सी फूंक से वो आपकी रियासत को ढेर कर सकता है। आप खोखले हो चुके हैं, आपकी हुकूमत खोखली हो चुकी है। सबसे पहले मर्द बनिए, तबलों की थाप को भुलाकर तलवार की झनकार को सुनने की आदत डालिए, अपनी रियासत में जाइए, अपने सिंहासन को संभालिए और जाकर देखिए कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है, और दुश्मन को किस तरह हटाया जा सकता है इसका तरीका ढूंढिए। ये हमसे नहीं हो पाएगा विक्रम सिंह। राजनीति, राज तिलक, राज सियासन, ये अलग दुनिया है और हम किसी और दुनिया के रहने वाले हैं। ये बोझ हमसे नहीं उठाया जाएगा, नहीं उठाया जाएगा। और आपकी जनता जो आप पर आस लगाए बैठी है,
कि अवंती के राजकुमार जिस दिन राजपाट संभालेंगे उनका जीवन संभल जाएगा, उनके दुख और होने वाले अत्याचारों का अंत हो जाएगा। आप उनकी आशाओं को निराशा की आग में जला डालना चाहते हैं? ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि राज तिलक हो तो जरूर होगा, लेकिन राज मुकुट हमारे सर पर नहीं, तुम्हारे सर पर रखा जाएगा। क्या मेरे सर पर? तुम्हारे सर पर। तुमने अभी अभी कहा था ना, जब विधाता किसी चीज को बनाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। शायद इसीलिए उसने हम दोनों को हमशक्ल बनाया। लेकिन जहां तक राज सिंहासन का संबंध है वो आपका है, राज तिलक आपका होगा, मुकुट आप पहनेंगे मैं नहीं, तो ठीक है। फिर राज तिलक उग्र राव का होता है तो हो जाने दो, आज तक उन्होंने सिर्फ हमारे नाम से जनता पर झुंड ढाए, कल उग्र राव राजा बनेंगे तो अवंती राज जीते जागते इंसानों का शमशान बन जाएगा, तो बन जाने दो। आप विक्रम की कमजोरी को समझ गए हैं, उससे गरीबों के आंसू और मजलूमों की पुकार नहीं सुनी जाती। ठीक है, मैं राजपाट संभाल लूंगा, लेकिन मेरी भी दो शर्तें हैं, हमें मंजूर है। पहले सुन लीजिए, मेरी पहली शर्त यह है कि जिस दिन मैं राज्य के दुश्मनों को खत्म कर दूंगा आप उसी दिन आकर अपना राजपाट संभाल लेंगे, और दूसरी शर्त यह है कि जब तक मैं राजमहल में रहूंगा आप यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, आप मेरी सलाह के बिना यहां से कहीं नहीं जाएंगे। वचन दीजिए। हम अपनी प्रजा की खातिर वचन देते हैं। हमने महाराज यशवर्धन को वचन दिया था कि हम उनके पुत्र राजकुमार आदित्यवर्धन को अवंती राज सिंहासन पर जरूर बिठाएंगे। इस वचन को निभाने का समय तो आ गया है, लेकिन काश हम इस वचन को पूरा कर सकते। ऐसी कौन सी मजबूरी है राजगुरु जी जो हमारे राजकुमार के राजतिलक के आड़े आ रही है? राजगुरु जी, आपकी बातों ने हमें बेचैन कर दिया है, ममता की कांच में शक की दरार पड़ गई है, जल्दी बताइए क्या बात है? राजमाता, हमारा दिल गम की आग में पिघल कर पानी पानी हो रहा है। किस जबान से कहें, कैसे कहें कि जंगली लड़की के प्रेम में जंगल जंगल भटकने वाले हमारे राजकुमार आदित्य वर्धन को बागी लुटेरों ने मार डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे आदित्य वर्धन को मौत हमसे इस तरह नहीं छीन सकती। उसके जन्म के समय ज्योतिष ने कहा था वो अवंती राज पे राज करेगा, 100 साल तक जिंदा रहेगा, वो मर नहीं सकता। और राजगुरु जी, आपने भी तो उस शुभ अवसर पर राजकुमार को आशीर्वाद दिया था। भगवान कब क्या करता है वो ही जानता है। सज्जनों, ये एक बहुत बड़ी मनहूस घड़ी है। राजकुमार की मौत का गम हम सबके दिलों को तड़पा रहा है, लेकिन ऐसे नाजुक समय पर हमें अपने देश अपने राज को भी संभालना है, इसकी डगमगाती हुई नैया को डूबने से बचाना है। ये तो आप सब जानते हैं कि राज सिंहासन का खाली रहना अशुभ कहलाता है, अमंगल कहलाता है। हमें महाराज चाहिए, हमें महाराज चाहिए। शांत हो जाइए, शांत रहिए। अगर आप लोगों को महाराज ही चाहिए तो मेरा ख्याल है कि राज्य के सेनापति उग्र राव को राज सिंहासन पर बिठा दिया जाए, क्योंकि इस समय सिर्फ उग्र राव ही राज्य का सबसे निकटतम वारिस है और देश के बागी लुटेरों का मुकाबला करने के काबिल भी है। राज तिलक के मुहूर्त का समय बिल्कुल करीब आ चुका है। राशियों के हिसाब से जो मुहूर्त इस समय निकला है ऐसा शुभ मुहूर्त कभी नहीं निकल सकता। मुहूर्त की इस घड़ी पर सिंहासन पर बैठने वाले राजा का दुश्मन से लेकर मौत तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। राजकुमार आप? हाँ, हम जिंदा हैं। गुरुदेव, दुश्मनों ने मार डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, ज्योतिषियों की वाणी सच निकली। मगर
आप बच कैसे गए? आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से। जिन कांधों पर आपका हाथ हो, उन कांधों को मौत पकड़ कैसे सकती है? लेकिन आप खुश तो है ना? आदित्य बेटी, हमारा तो खुशी के मारे ये हाल है कि शब्द ही नहीं मिल रहे। और उग्र राव आप? जी मैं, हम तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे हैं। राजकुमार, आपके आने से अवंती पर छाए हुए गमों के बादल छट गए हैं। अब राजतिलक के लिए राजी होकर खुशियों की वर्षा भी कर दीजिए। आप लोगों का इकरार और जनता का प्यार हमें वापस खींच लाया है। आपकी इच्छाओं के आगे हम अपना सर झुकाते हैं। युवराज आदित्य वर्धन की, युवराज आदित्य वर्धन की, युवराज आदित्य वर्धन की। महामंत्री, गरीबों में दान बांटा जाए, खजाने के मुंह खोलकर हर अनाथ, अपाहज और कमजोर सबकी झोलियां भर दी जाए, किसी गरीब का दामन इस दान से खाली न रहने पाए। मैं ये शुभ कार्य अभी शुरू करता हूँ राजमाता। सुनिए, आपने राजतिलक के लिए सबको निमंत्रण भेज दिया था ना? जी हाँ राजमाता, उन सब के जवाब भी आ गए हैं। और अलकनंदा का क्या जवाब आया? उन्होंने राजतिलक के समारोह में आना स्वीकार कर लिया है राजमाता। बहुत खूब। महामंत्री जी, अब अलकनंदा का जो स्वागत होगा बस दुनिया देखती रह जाएगी।
इस शुभ अवसर पर अवंती के महाराजा और गांधारा की महारानी रहती दुनिया तक मित्रता निभाने की शपथ ग्रहण करेंगे। गांधारा महारानी, सुस्वागतम। महारानी, आज के बाद एक की आजादी पर हमला दोनों की आजादी पर हमला समझा जाएगा। एक का दोस्त दोनों का दोस्त, एक का दुश्मन दोनों का दुश्मन समझा जाएगा। अब मैं इस राज्य के नए महाराजा को विनती करूंगा कि वो जनता के नाम अपना संदेश दें। अवंती की प्रजा को हमारा प्रणाम। आज यह कीमती मुकुट हमारे सर पर नहीं बल्कि जनता के सर पर रखा गया है। आज से यह राज्य आपका है, यहां की सरकार भी आपकी होगी, यानी प्रजा राज्य होगा। इस राज्य का शासन चलाने के लिए एक प्रजा सभा बनाई जाएगी और इस प्रजा सभा में हर 10 गांव का एक प्रतिनिधि होगा, यानी नुमाइंदा होगा। और इन प्रतिनिधियों में से 8 को लेकर एक मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। इस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होंगे श्री श्रीकांत जी और इसके बाद देश की हर समस्या का फैसला यही प्रजा सभा करेगी। उसका फैसला जनता मानेगी, मंत्री मानेंगे और यहां तक स्वयं राजा को भी उसके फैसले के आगे अपना सर झुकाना पड़ेगा। आचार्य अभंग देव जी ने इतने सालों तक अवंती राज की जो सेवा की है, अपनी जवानी को पसीना बनाकर बहाया, उसके लिए हम सब इनके बहुत आभारी हैं। अब हमारी इनसे प्रार्थना है कि ये अपनी पदी से हट जाएं और अपने बुढ़ापे के दिनों को भगवान की याद में लगा दें। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। राजकुमार, राजकुमार, आज मैं बहुत खुश हूं कि आपने राज सिंहासन संभाल लिया। क्या हुआ? कौन हो तुम? वही जिसके तुम गले लगी थी। मैंने तुम्हें आदित्यवर्धन समझा। तो तुम और क्या समझना चाहती थी? तुम आदित्यवर्धन नहीं हो, उसके कोई हमशक्ल हो। तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही है। मुझे आदित्यवर्धन को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, सिर्फ छू कर बता सकती हूँ। तुम्हारी शक्ल राजकुमार से मिलती है। इस शक्ल के पीछे जो इंसान है वो कोई और है। क्या कह रही हो तुम? सारी सभा ने हमारा स्वागत किया, हमें सिंहासन पर बिठाया, हमारा राज तिलक किया और तुम कह रही हो कि हम राजकुमार नहीं कोई और हैं। तुम्हारी इस बात को कौन मानेगा? हम मानेंगे। तुम? हाँ, मैं। चाहूं क्यों गए विक्रम? जसवंते के निगाह में तुम एक बहरूपी हो, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जानती हूं और सिर्फ इस वक्त ये जानना चाहती हूं कि यहां तुम्हारा आदित्य बनकर आने का मकसद क्या है, कौन सी चाल चलना चाहती हो। राजनीति के उलझे मामलों को सुलझाने के लिए कभी कभी ऐसी चालें भी चलनी पड़ती हैं। राजनीति के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए तुमने ये नाटक रचाया है। आदित्यवर्धन जैसे भले राजकुमार को अवंती की प्रजा से दूर कर दिया है। तुमने कसम खाई थी, मुझसे वादा किया था कि उस वक्त तक अज्ञातवास में रहोगे जब तक गांधार राज के सारे दुश्मन खत्म नहीं हो जाते। दूसरों के राज को धोखे से हड़पने को तुम अज्ञातवास कहते हो? मैंने तुम्हें एक वीर सिपाही समझा, मगर तुम एक धोखेबाज राजनीतिक ने निकले।
शासन चलाने की कोशिश, राज सिंहासन पर बैठने की तमन्ना तुम गांधार राज में भी पूरी कर सकते। आपके आगे हाथ जोड़ कर कहती हूँ, एक बार कह दो कि राजकुमार जिंदा है। मन में खोट हो तो जबान से सच नहीं निकलती जसपंती। तुमने जो सवाल किया है इनके होंठ से दिए हैं। ये कैसे कहेंगे कि इन्होंने सिंहासन के लालच में आदित्य के खून से इनके हाथ रंगे हैं। खून की जुबान चुप रहती है लेकिन इसके दामन पर लगे खून के धब्बे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये खूनी है, कातिल है। बस करो अलकनंदा, बस करो। अगर सारी दुनिया भी मुझे गुनहगार समझती तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जिस राज को राजी रखना चाहता था आज तुमने मुझे उस राज को खोलने पर मजबूर कर दिया। तो सुनो, जिस तरह इस दुनिया में वफादार होते हैं वह गद्दार भी रहते हैं। तुम्हारे यहाँ भानु प्रताप थे, यहाँ राजगुरु है। जो चाल तुम्हारे साथ चली जा रही थी वही चाल आदित्य वर्धन के साथ भी चलने वाले थे। राज तिलक के एक दिन पहले आदित्य वर्धन का खून करके उग्र राव को राज सिंहासन पर बिठाने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं ठीक वक्त पर न पहुंच जाता तो आज अवंती की जनता अपने प्रिय राजकुमार की लाश के दर्शन भी न कर पाती। तो हमारे राजकुमार? वो जिंदा है और मेरे अड्डे पर सही सलामत है। मैंने आदित्य वर्धन की जान बचाई और उन्होंने मुझे दोस्त समझकर कसम दी कि मैं अवंती के सिंहासन को गद्दारों के हाथों से बचा लूं। इसलिए मैं एक किराए का राजा बनकर इस सिंहासन पर बैठ गया। मुझे क्षमा कर दो विक्रम, मैं वाकई दिल के तराजू में अपने प्रेम को तोलकर उसकी कीमत न लगा सकी। फिर भी नाज है मुझे अपने दिल पर कि जिसने चाहा तो ऐसे इंसान को चाहा जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझकर उसमें खो जाता है। अलकनंदा, अब तुम फौरन गांधारा के लिए रवाना हो जाओ। तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। उपस्थित प्रजाजनों, हमने अपने राज तिलक के वक्त आपसे वादा किया था कि हम एक मंत्रिमंडल बनाएंगे। हमने अपना वादा पूरा कर दिया। ये रहे आपके अष्ट प्रधान। अब इस मंत्रिमंडल के महामंत्री श्री श्रीकांत जी आपको प्रजासभा के निर्णय सुनाएंगे। सबसे पहला निर्णय उग्र राव के बारे में है। प्रजासभा का कहना है कि उग्र राव देश के रक्षक थे लेकिन आप वो देश के भक्षक बन गए, इसलिए उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए। महामंत्री, ये प्रजा सभा का निर्णय है, तुम्हें मानना होगा। दूसरा निर्णय कर के बारे में है। जिन लोगों से सेना के नाम पर कर वसूल किया गया है उन्हें वो शाही खजाने से वापस कर दिया जाएगा। जिनकी जमीनें जबरदस्ती कानून के नाम पर छीन ली गई है उनकी जमीनें वापस कर दी जाएंगी। अरे कुकड़ू, क्या बात है, तू धाड़े मार मार कर क्यों रो रहा है? हमको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है हमको। हमारे दिल के चबूतरे पे हमारी अरमानों की चिता जल रही है और उस चिता का जो धुआं है ना, ये हमारी आंखों से, हमारे कान से, हमारे नाक से पानी बन के निकल रहा है। धारदार धारदार। राज सिंहासन पाने का मौका हमारे हाथों से निकल गया है तो शायद इसीलिए रो रहा है। नहीं, हम इसलिए क्यों रोएंगे? हम जब माँ के पेट में थे तो हमें ज्ञान मिल गया था कि राजसिंहासन इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलेगा। तो क्या भरी सभा में हमारे अधिकार हमसे छिन गए इसलिए तुम आंसू बहा रहे हो? इसलिए मैं क्यों रहूंगा? जो आदमी अपने अधिकार का इस्तेमाल अधिकार की तरह बेकार में करता है उसके अधिकार तो छिन जाते हैं। मैं रो के अपना वजन क्यों कम करूं? दीदी तरह बताता है कि नहीं, बादाम से बनी हुई बुद्धि के बल पर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने आपके साथ रहकर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना हमको गद्दी मिली, ना हमको पदवी मिली, ना हमको बुद्धि मिली। और उधर उन राजकुमार को देख लीजिए, एक जंगली लड़की के प्रेम में फंसकर न जाने कौन सी जड़ी बूटियां खा ली, उसमें इतना परिवर्तन आ गया, कायाकल्प। अगर ऐसी जड़ी बूटियां हमको मिल जाती तो हम उन जड़ी बूटियों के साथ साथ सारे जंगल को एक रात में खा लेते और हम भी बुद्धिमान बन जाते। राजकुमार ने ना वो जड़ी बूटी खाई होती और ना ही इतना परिवर्तन आया होता उनमें बादाम खा के। राजकुमार के इस अचानक परिवर्तन पर शक तो हमें भी है। आप लोगों का शक बिल्कुल सही है। आदित्य वर्धन नहीं, विक्रम सिंह है। हम भेष बदल कर सभा में गए थे, वो वहां गरीबों और सताए हुए लोगों पर अपनी मेहरबानियों की बारिश कर रहा था जो विक्रम सिंह की पुरानी आदत है।
हमने उसे करीब से देखा और हम उसकी रग रग से वाकिफ हैं। वो आदित्य वर्धन नहीं, विक्रम सिंह है। तो सबसे पहले हमें यह पता चलाना होगा कि विक्रम सिंह जंगल में है या नहीं। सज्जनों, देश की जनता को ज्यादा से ज्यादा खुशहाल रखने के लिए हमने चंद नए असूल और नई योजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है। जैसे आज के बाद अछूतों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे, गरीबों के लिए राज्य की तरफ से मुफ्त भोजन का बंदोबस्त किया जाएगा, गरीब अनाथ लड़कियों के विवाह का प्रबंध किया जाएगा। लेकिन महाराज, इन शुभ कार्यों को पूरा करने के लिए शाही खजाने की पूंजी कम पड़ेगी। महामंत्री जी, शाही खजाने की ज्यादातर रकम सेना पर खर्च हो रही है। अगर हम अपनी सेना को थोड़ा सा घटा दें तो ये सारे कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। महाराज, देश की रक्षा के लिए उसकी सेना का अधिक संख्या में होना बहुत जरूरी है। मंत्री जी, आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देशों ने हमारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है, इसलिए हमें बड़ी संख्या में सेना रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो चंदना गंधी, चलो। ठहरो। चंदना को ले जाकर राजगुरु के हवाले कर दो। कमर, आपका राजतिलक तो हो गया, अब हमारी एक ही इच्छा बाकी रह गई, आप विवाह कर लें। विवाह? इतनी जल्दी विवाह कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते महाराज? अभी तो हमने राज्य संभाला है, सर पर मुकुट पहना है, मुकुट का ही बोझ हमसे नहीं संभाला जा रहा, ऊपर से आप शादी के सेहरे का बोझ हम पर लादना चाहते हैं। बात बदलने की कोशिश मत करो आदित्य वर्धन, हम जानते हैं आप विवाह से क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि आपको एक लड़की से प्रेम हो गया है। जी हाँ राजमाता, आपका आदित्य वर्धन न सिर्फ चंदना से प्रेम करता है बल्कि उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, क्या आप उसे ला सकती हैं? कैसी बात कर रहे हैं महाराज, हमें तो यह भी पता नहीं कि वो जिंदा है या मर चुकी है। नहीं महामंत्री, चंदना जिंदा है। चंदना बेटी, राजमाता से आशीर्वाद लो। जीती रहो आदित्य, हम आपकी पसंद की दाद देते हैं। आप जिस चंदना के लिए जिद कर रहे थे वो आपके सामने है, अब तो आपको इनकार नहीं। अब ये इनकार कर ही नहीं सकते, इनकार के तो सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। अब चाहे ये माने या ना माने, ये विवाह तो करना ही होगा। महाराज, आपने तो बचने की लाख कोशिश की लेकिन हमने आपको फंसा ही लिया। बिल्कुल सत्य, अब तो इन्हें विवाह के बंधन में फंसना ही होगा, और विवाह के लिए कल से अच्छा मुहूर्त और कोई ना होगा। ठीक है, ये विवाह कल ही होगा, विवाह की तैयारियां शुरू कर दी जाए। जसवंती, श्रृंगार कैसे लगा? पुरुष के हाथों किया श्रृंगार कभी पूर्ण नहीं होता। तो पूर्णता के लिए क्या करना चाहिए, आप ही बताइए ना। ये कहेगी नहीं विक्रम, करके बताएगी। महाराज, मैंने वादा किया था कि राज्य की हालत सुधरते ही मैं आपको अपनी जगह से आपके राजमहल तक पहुंचा दूंगा, और आज आपकी प्रेमिका चंदना आपकी पत्नी बनने जा रही है। मेरा वादा पूरा हुआ, अब मेरा यहां रुकना ठीक नहीं, मैं चलता हूं। आज हमें जाना कि दोस्त किसे कहते हैं, काश इस खुशी के मौके पर तुम हमारे साथ होते। मैं नजरों से दूर जा रहा हूं, दिल से नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओम सुमहो ते सावधाना, सुलग्ने सावधाना, लक्ष्मी नारायण ध्याना सावधाना। ओम मांगल्यं तंतुनानेना मम केवल हेतुना, संखे भद्राणि सुभगे त्वं देवसरणां शरणं। मांगल्यं सुमहो दोस्तो। वो विक्रम सिंह हो या आदित्य वर्धन, अगर वो विक्रम सिंह है तो उसने आदित्य वर्धन की प्रेमिका के गले में मंगलसूत्र कैसे डाल दिया? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, विक्रम सिंह जंगल में अपने खुफिया अड्डे पे ही है, और असली दूल्हा महाराज आदित्य वर्धन ही है। मतलब बड़ा वफादार और ईमानदार आदमी है, जो ठीक लगन के समय पे खुद गायब हो गया और अपनी जगह पे असली महाराज को बिठा गया बादाम खा। चलो, ये तो और भी अच्छा हुआ, जो काम भीष्म न कर सका वो चंदना कर देगी। इसका मतलब यह हुआ
कि ये सुहाग रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। बिल्कुल सही है। तुम महाराज आदित्य वर्धन की अर्थी की तैयारियां करो, उनकी अंतिम यात्रा राज्य के सम्मान के साथ जानी चाहिए। तुमने हमारे राज मंदिर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? मैं जानती हूँ मेरे कदमों से आपका राजमहल पवित्र हो जाएगा, मगर जिस काम से आई हूँ अगर वो न हो तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी कीजिए, आदित्य वर्धन जी की सुहागरात को रुकवा दीजिए। क्यों, ये सुहागरात तेरी बर्बादी बन रही है? नहीं राजमाता, इसमें मेरी नहीं आपके बेटे की बर्बादी है। चंदना कोई साधारण कन्या नहीं, विष कन्या है। बकवास बनकर, चंदना गंगा जल की तरह एक पवित्र कन्या है। वो एक गरीब मासूम लड़की है जिसने जंगल में जन्म लिया और वहीं पलकर जवान हुई। वो दुनिया के किसी फरेब और चालबाजियों से परिचित नहीं, और तू उसे विष कन्या कहती है? विष तो तुझ में भरा हुआ है, तेरी अदाओं में भरा है। तू जिसे एक बार डस ले वो जिंदगी भर तेरी कदमों में पड़ा रहता है। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए राजमाता, आचार्य भंगदेव ने विष कन्या बनाया, यही कहना चाहती हो ना? अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तुम एक महापुरुष पर आरोप लगा रही हो। राजमाता, मेरा मतलब? हम तेरे हर मतलब से वाकिफ हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा बेटा तेरे प्रेम के जहरीले जाल से आजाद हुआ। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर चंदना को उसने अपनी पत्नी बनाई, इस रियासत की होने वाली महारानी बनाया। जिसके सपने तू देख रही थी वो सपना टूट गया तो उनकी खुशी में बाधा डालने आई है ना, उनके पवित्र मिलन को रोकने आई है। हम आखिरी बार कहते हैं चली जाए यहां से, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा राजनर्तकी। चली जाए यहां से। राजमाता, अगर आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होंगी तो मैं खुद जाकर आदित्य वर्धन जी को यह राज बता दूंगी, इस सुहागरात को रोक कर रहूंगी। गिरफ्तार कर लो इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। राजमाता, मेरी बात का यकीन कीजिए, नहीं तो आप जिंदगी भर बच जाएंगी। राजमाता, प्यार से आता है प्रेमियों को किस तरह करार, प्यार से जीवन में आती है कैसे बहार, प्यार की पहली रात आई, प्यार की पहली रात आई। जहर भी बन जाता है अमृत प्यार से अगर पिया जाए, हाँ, कांटे भी बन जाते हैं कलियां प्यार से।
जाता है अमृत, प्यार से अगर पिया जा। उसे कैसे ढूंढ पाए जो गेसुओं में तेरे खो जा। आग दिल की बुझती है तब जब मधुर मिलन हो जाए। मौत उसे कैसे ढूंढ पाए जो गेसुओं में तेरे खो जा। प्यार की पहली रात आई। चलता है दो दिलों का कैसे संसार, प्यार से आता है प्रेमियों को किस तरह करा। प्यार से जीवन में आती है कैसे बहार। प्यार की पहली रात आई। प्यार की पहली रात आई। हाय, ये मनहूसियत के रंग में रंगी हुई कैसी सुबह आई है। आज आकाश में सूरज तो था, लेकिन इस राज का सूरज हमेशा हमेशा के लिए पाताल के अंदर घुस गया है। मौत के भयानक दांतों ने राजकुमार को कच्चे बादाम की तरह चबा लिया है। राज शादी की सुबह बर्बादी हो गई। कल राजमाता की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन आज राजमाता के हलक में गम के कहे होंगे। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हम ये सोते हुए सपना देख रहे हैं या जागते हुए सो रहे हैं? अरे अरे अरे, राजगुरु सुनेंगे तो उनकी आंखें सड़े हुए बादाम की तरह फट करके पड़ जाएंगी। मैं तो महारानी की हालत पर तरस आ रहा है। उनका एक ही तो बेटा था, वो भी चला गया। जब उनके आंसुओं का ख्याल आता है, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। चलो राजमाता को चलकर दिलासा दे आए। गुरुजी, दिलासा नहीं, मुबारकबाद दीजिए। वहां तो सारा महल खुशियों के साथ गूंज रहा है। आपने जो झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई थी ना, वो रेत के महल की तरह ढह गई है। महाराज मरे नहीं है, बल्कि जिंदा है और पहले से ज्यादा चमक रहे हैं बिना बादाम खा के। हाँ। क्या?
वो विष कन्या जिसके जहर से सांप तक मर जाते हैं, वो जहर राजकुमार को न मार सका, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। चंदना विष कन्या थी लेकिन अब नहीं जी। हाँ, एक दिन इसके रोम रोम में जहर भरा गया है। यह कोई साधारण कन्या नहीं, विष कन्या है। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम लड़की और विष कन्या, क्या इसका विष निकालकर इसे अमृत कन्या नहीं बनाया जा सकता? क्यों नहीं, कुदरत के बनाए हुए इस कारखाने में कोई चीज असंभव नहीं। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। चंदन गंधी, अब तुम्हारे शरीर का सारा विष खत्म हो गया। अब तुम विष कन्या नहीं हो, अमृत कन्या बन गई हो। ये सब आपकी कृपा है। कल्याण मस्तु। और इस तरह चंदना जो कभी विष कन्या थी फिर से अमृत कन्या बन गई। ओह, अब मेरे दिल को सुकून मिला। जब अधिकार था, शान और शौकत थी, सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में थी, आज मुट्ठी खाली है तो पानी पिलाने के लिए नौकर तक नहीं है। हम तो सब कुछ गंवा बैठे, राजनीति से पदवी गई, जिंदगी से बेटा गया, और राजनीति के मैदान में पहाड़ समान भाई था वो भी टूट के चिकना चूर हो गया। घबराओ नहीं, हमारी चालों को मौत नहीं आई है, अभी हमारे तरकश में और बहुत से जहरीले तीर बाकी हैं। हम अब ऐसी चाल चलेंगे कि दुश्मन अपनी चाल बदल देंगे। हमने आदित्यवर्धन से कहा है कि दिन ब दिन राज्य में परेशानियां फैलती जा रही हैं, और इन परेशानियों को दूर करने के लिए कल सुबह उन्होंने सभा बुलाई है। आप क्या बोल रहे हैं, कौन सी चाल है, अपनी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस सभा में तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देश में चारों तरफ जो अशांति फैली हुई है उसका कारण और उसे नष्ट करने के उपायों पर विचार करने के लिए आज ये सभा बुलाई गई है। कार्यवाही शुरू की जाए। आज हम जिन बातों पर विचार करेंगे उनमें सबसे पहले है धार्मिक भेदभाव। अपने मतलब के लिए खोली जनता को धर्म के नाम पर भड़काकर उनका खून चूसा जा रहा है। अगर देश में इतना हाहाकार मचा हुआ है, इतनी तबाही मची हुई है, तो फिर सेना क्या कर रही है? उन लुटेरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? कातिल ये पूछे, कातिलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, तो इसका कोई जवाब दे सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है, सिंहासन पे बैठने वाले महाशय वो खून खराबा, वो लूटमार मचाने वाला और कोई नहीं, आप है। खामोश। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना साहस कि तुम अपने महाराज आदित्यवर्धन को लुटेरा कहो? तुम और महाराज आदित्यवर्धन नहीं, तुम उसके हमशक्ल डाकू विक्रम सिंह हो। बंद करो ये बकवास, हम आदित्यवर्धन हैं, विक्रम सिंह नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो, आप आदित्यवर्धन ही निकलें, इससे बढ़कर हमें और क्या खुशी हो सकती है। लेकिन प्रजामंडल को ये शक है कि आप विक्रम सिंह हैं, राजद्रोही हैं, इसलिए जब तक ये इल्जाम झूठे साबित नहीं हो जाते, आप कृपा करके राजदंड और ये मुकुट वहीं रखकर राज सिंहासन खाली कर दें और मुल्जमों के कटहरे में खड़े हो जाएं। ठीक है, प्रजा सभा का ये फैसला है, इस राजद्रोही से पूछताछ आप ही करेंगे। आरोपी, तुम पर इल्जाम है कि तुम महाराज आदित्यवर्धन नहीं उनके हम शक्ल हो, क्या ये सच है? ये सरासर झूठा इल्जाम है, क्या सबूत है इनके पास? उसका सबूत हम हैं। कौन हैं आप? अच्छा, अब आप मुझे भी नहीं पहचानते?
मैं उस देश का महामंत्री हूँ जहाँ किसी जमाने में आप सेनापति हुआ करते थे और गद्दारी के इल्जाम में आपको देश निकाली की सजा दी गई थी। ये झूठ है, बकवास है। ये सच है विक्रम सिंह, तुमने गंधारा के साथ गद्दारी की, तुम्हें देश निकाली की सजा दी गई, तुम्हारे मन में बदले की भावना जागी और चूंकि ये देश गंधारा का दोस्त है, मित्र है, तुमने दोनों को साथ में नष्ट करने का फैसला किया और चूंकि यहाँ के महाराज की शक्ल तुमसे हूबहू मिलती जुलती है, तुमने उसका फायदा उठाया, तुमने महाराज का कत्ल किया और खुद आकर सिंहासन में बैठ गए। उसके बाद अशांति के बारूद से इस देश की धरती को खोखला कर दिया। विक्रम सिंह, तुम यहाँ की भोली जनता को धोखा दे सकते हो, भानु प्रताप को धोखा नहीं दे सकते। विक्रम सिंह बहुत बहादुर है, इसकी हिम्मत बेमिसाल है। अगर ये सच्चाई का पुजारी होता तो हम इसकी पूजा करते, अगर ये देशभक्त होता तो हम इसकी आवभगत करते, मगर ये देशद्रोही है। इसने अपने हमशक्ल होने का फायदा उठाकर हमारे महाराज आदित्य वर्धन की हत्या की और खुद आकर इस राज सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद इसमें कोई शक नहीं करे, इसने आदित्य की प्रेमिका से शादी भी कर ली और अपने नापाक इरादों को मजबूत करने के लिए एक मंडल बनाया जिसके जरिए हुक्म जारी किया कि इस देश की सेना कम कर दी जाए ताकि इसके लुटेरों का मुकाबला करने के लिए सेना कम पड़े और ये आसानी से इस मुल्क को लूट सके। देश में धर्म के नाम पर फसाद तुमने करवाए, लोगों से झूठी हमदर्दी हासिल करने के लिए अछूतों को मंदिर में जाने की आज्ञा तुमने दी। ये झूठ है, इल्जाम है। आम सैनिकों की तैनात को कम करने के लिए तुमने मंत्रिमंडल के सामने हुक्म जारी किया था और सबूत के लिए आप अपने महामंत्री से पूछ सकते हैं, कहीं ये महामंत्री इनका आदेश था या नहीं। आप खामोश क्यों हैं महामंत्री जी, कहिए कि सब झूठ है। कहिए महामंत्री, सच को छुपाना झूठ से भी बड़ा पाप है। आपके सच पर इस देश की इज्जत और मान मर्यादा का दारोमदार है। इस पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं सब सच है। सैनिकों की तादाद कम करने का आदेश भी इसी ने दिया। हे भगवान, हरिश्चंद्र जैसे सत्य के पुजारी श्रीकांत की गवाही ये साबित करने के लिए काफी है कि ये देशद्रोही विक्रम सिंह ही है और इसकी सजा का फैसला प्रजा सभा ही करेगी। गुरुदेव, इसको क्या सजा दी जाए इसका फैसला भी आप ही को करना होगा। इसकी सजा का फैसला करने का हक उनको है जिनके बेटे की इसने हत्या कर दी है, यानी राजमाता। इस कातिल को हत्यारे को सजाए मौत दी जाए। माँ, माँ। क्या महाराज को फांसी दी जा रही है? इनको ले चलो। चंदना को हमने कैद करवा दिया है, अब हमारा हर मकसद पूरा हो जाएगा, हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाएगी। नहीं उग्र राहुल, अभी हमारे रास्ते में दो बड़ी रुकावटें मौजूद हैं, एक विक्रम सिंह, दूसरी अलकनंदा। अपराजिता जंगल से हमारे राज्य की ओर आने वाले तमाम सरहदी रास्तों पर अपनी सेना तैनात कर दो ताकि विक्रम सिंह अवंती राज में दाखिल ही ना हो सके, और हमारे ये दोस्त कटारी कटैया की सेना को अपनी सेना में शामिल करके अलकनंदा का मुकाबला करो। Yeah.
अवंती राज के आकाश में जो एक मनहूस सितारा निकला था, वो आज टूट कर सच्चाई की ठोकरों में बिखर जाएगा। किले के घंटे की छठी गूंज के साथ ही देशद्रोही विक्रम सिंह को फांसी दे दी जाएगी। घंटा बजाया जाए। इंसाफ की आवाज को बुलंद करने वाला घंटा ना इंसाफी के लिए नहीं बच सकता और ना इस बेगुनाह और मासूम को फांसी दी जाएगी। तुम फांसी को रुकवाने वाले होते कौन हो? और तुम इसे फांसी देने वाले होते कौन हो? ये हमारी नहीं, राजमाता की आज्ञा है। ये राजमाता की आज्ञा नहीं, तुम्हारी चाल है। असली मुजरिम तुम और राजगुरु हो। तुम लोगों ने अपने गुनाहों का फांसी का फंदा एक बेगुनाह के गले में डाल दिया। ये विक्रम सिंह का साथी मालूम होता है, इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं विक्रम सिंह का साथी नहीं, खुद विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। ये तो वाकई विक्रम सिंह है। राजमाता, मैं क्षमा चाहता हूँ। उस दिन आपको सच्चाई बताए बिना मैंने अपना राज तिलक करवा लिया और इसकी इजाजत मुझे आपके बेटे आदित्य वर्धन ने दी थी। राजमाता, चंदना को सारी जिंदगी विष पिला पिला कर उसे विष कन्या बनाने वाला यह राजगुरु है, ताकि एक दिन वो आदित्य वर्धन की मौत का कारण बन सके। इसका सबूत है चंदना को पालने वाला कपाल स्पोटा। बोल कपाल स्पोट। विक्रम सिंह जो कह रहे हैं वो सच है राजमाता। इस बीच विष कन्या अमृत कन्या बन गई, इसका इन लोगों को पता नहीं चला। ये समझे आदित्य वर्धन चंदना से शादी करते ही मर जाएगा, इसलिए इन्होंने अंतिम क्रियाकर्म की तैयारी भी शुरू कर दी। इसका सबूत है ये जसवंती। राजमाता, सुहागरात के दिन आपने मेरी बात नहीं मानी, आज तो मान जाइए। ये गेरुआ लिबास, काला दिल, मुख में राम और विचारों में जहर का प्याला लिए तुम इस देश की सेवा करते रहे। सैनिकों, राजगुरु और उग्रराव को गिरफ्तार कर लिया जाए। राजमाता, वो जमाने गुजर गए जब आपका हुक्म चलता था, आज हमारा हुक्म चलता है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस बुढ़िया को। और जहां तक फांसी का संबंध है, अब विक्रम सिंह और आदित्य वर्धन दोनों को फांसी दी जाएगी और उनकी चिताओं का हम हवन कुंड बनाएंगे और उस हवन कुंड की आग में मंत्र पढ़वाकर हम अपने बेटे उग्रराव का राज तिलक करवाएंगे। बूढ़े मक्कार, चिता हम दोनों की नहीं, तुम दोनों बाप बेटे की जलेगी। Thank you.
किया राजगुरु के कहने पर किया मुझे इसलिए किया कि तुम राजगुरु के भाई हो। हाँ, और अब ये धरती तुम दोनों भाइयों का खौफ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर जाओ। परित्यागी सन्यासी कहने वाले लालची इंसान, तूने इस सिंहासन को हासिल करने के लिए नहीं अवंती महाराज के खिलाफ प्रजासभा को बहकाया और आज तेरी मौत इसी प्रजासभा के हाथों होगी। तुम्हारे बहुत आभारी हैं दोस्त। आज तुम न होते तो शायद हम न होते, न हमारा ये राज होता, न हमारे सर पे ये ताज होता। महाराज, मैंने जो कसम खाई थी आज वो पूरी हो गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। विक्रम बेटी, कहाँ जाओगे? राज के कैद से जाना आसान है, मगर ममता के कैद से आजाद होना बहुत मुश्किल है। राजमाता, भगवान ने तुम्हारे रूप में मुझे और एक बेटा दे दिया। अलकनंदा को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश तुमने पूरी कर दी। आज इस शुभ अवसर पर हमारा आशीर्वाद है कि दोनों राज्यों के सिंहासन हमेशा अवंती और गांधारा के सिंहासन, अवंती और गांधारा के सिंहासन।